आज जो हमारा वेबिनार है वो अपनी सीरीज का थर्ड है, अडल्ट एजुकेशन के लिए जो हम सीरीज एक शुरू कर की है हमने। और आज जो टॉपिक हमने रखा है बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें सभी लोग बहुत रुचि लेते हैं। और आज का जो टॉपिक है उसके लिए हमने जो एक्सपर्ट्स बुलाए हैं वो अपने फील्ड में माने जाने व्यक्तित्व हैं, पर्सनैलिटीज हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आप लोगों के लिए काफी एनलाइटनिंग होगा और अवेयरनेस क्रिएट करने वाला होगा। तो हम आप लोगों से ये निवेदन मैं करूंगा, इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे ये निवेदन करूंगा कि अपने माइक्रोफोन्स ऑफ रखेंगे तो हमें कंडक्ट करने में थोड़ी आसानी रहेगी, जिससे बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। तो आज जो ये हमारा वेबिनार है आईटी के फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में, मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, हमारे नए निदेशक श्री हिमांशु, डॉक्टर हिमांशु दास जी हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने हर फील्ड में कम से कम 10 वेबिनार्स कंडक्ट करने के लिए 9 लोगों को निर्देश दिया है। और इसका मतलब 9 + 10 = 90, 90 वेबिनार्स हम इन दिनों कुछ ही समय में ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो हमारा जो एडल्ट एजुकेशन का वेबिनार है उसमें आज ये सीरीज का तीसरा है। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, सर से, डायरेक्टर सर से, डॉक्टर दास से हम आशीर्वाद लेते हैं पहले। हमारी टीम है पूरी, जिसमें सुरेंद्र ढालवाल जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और हमारे सारे TCA के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सबके सौजन्य से इस वेबिनार ऑर्गेनाइज हो पाते हैं। तो मैं सबकी ओर से सर को निवेदन करूंगा, डॉक्टर दास को, कि हमारा आज का वेबिनार इनॉग्रेट करें और साथ ही साथ में हमें कुछ ऐसी गाइडलाइंस भी दें जो इस वेबिनार के संबंध में हम बीच में ध्यान भी रखेंगे और उसके उसके बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर दास, नमस्कार जग्गी सर, ढलवाल जी को भी नमस्कार। मेरा नमस्कार, लक्ष्मी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मेहनत से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा हमारे और भी जितने भी स्टाफ और फैकल्टीज इसमें इन्वॉल्व है, सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, नेशनली एंड इंटरनेशनली फेम्ड हैं, उनको हर कोई जानते हैं, उनके एक्सपर्टीज पूरे देश में सबको पता है। मैं चाहूंगा कि उनको मैं उनकी लाभ जो है हमारे सारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सब लोग उठाएं, उनको भी मैं आमंत्रण करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आगे भी चाहेंगे कि उनकी रिसोर्स जो है वो हम लोग हमेशा ही लेते रहें, वेबिनार के जरिए नहीं, साल भर उनकी एडवाइजरी, गाइडेंस और मेंटरशिप हमारे ऊपर निभेद को मिलते रहे। रही बात इस टॉपिक की, मैं संक्षिप्त में बस इतना कहना चाहूंगा, मेरे भारत में भी और विदेशों में भी कुछ ब्लाइंड या दिव्यांग जो है फ्रेंड है, मेंटर है और मेरे टीचर्स हैं, के साथ जब भी मैं मिलता हूँ, घूमते फिरते रहता हूँ, खाना खाता हूँ और जहां भी जाते रहता हूँ, तब तक मैं हीरो बने रहता हूँ जब तक उनको अपनी मोबाइल या अपनी लैपटॉप या अपनी कंप्यूटर ना मिले। जिस वक्त उनके हाथ में अपनी मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप या टेक्नोलॉजी जो भी वो यूज करते हैं वो हाथ लग जाते हैं, उसी वक्त मुझे उनकी काबिलियत दिखने के लिए मिलता है और उसी वक्त पता लगता है कि उनकी स्किल्स सेट के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। तो इतना बड़ा एक इम्पैक्ट देता है दिव्यांगजनों की जिंदगी में जो टेक्नोलॉजी, इसकी कोई कल्पना हमें आज से शायद 20 साल पहले थी भी नहीं। आज से 20 साल पहले दिव्यांगजनों की जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, समावेशन की बात करते थे, बहुत ही अलग ढंग के सोचते थे, बिकॉज उनका कार्यशैली, उनका कार्य क्षमता, इस सब के ऊपर बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह लगी हुई थी। लेकिन पिछले 20 साल में जो भी टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स जितने भी हुए हैं इन टर्म्स ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड वेरी मेनी अदर टेक्नोलॉजीज, दिस इज बिकम वेरी वेरी इविडेंट, स्पेशली इन रेफरेंस टू पर्सन विद ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, कि इनको अगर टेक्नोलॉजी मिले तो ये किसी भी हद तक कोई भी काम को बहुत ही अलग रूप से आगे ले सकते हैं। इसमें इनकी क्षमता की, समाकलन की, समावेशन की, किसी भी प्रकार के प्रश्न या डिस्कशन की कोई फोरम रह ही नहीं जाता है। तो चाहेंगे यही कि ये जो मुहिम है ये सबको मिले और इसके ऊपर और भी चर्चा हो, भारत के जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, IITs हैं, वो सब लोग मिलके इसके ऊपर और भी चर्चा करें, टेक्नोलॉजी को और ले जाने की कोशिश करें, ताकि दिव्यांगजनों की जिंदगी जो है सुगम हो सके, उनकी
ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल हो सके, वो ज्यादा से ज्यादा एम्पावर्ड हो सके, उनके प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उनके इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स बढ़ सके। हालांकि पिछले 5-6 महीने में जब से ये कोविड का आतंक हमारे ऊपर आया है, हमने देखा है कि इसके ऊपर थोड़ा सा हमारी जो विचारधारा था वो पहले से ज्यादा सीरियस हो गया है, पहले से ज्यादा हम इसको एक्सेप्ट करने लगे हैं, इसके प्रति एटीट्यूड भी हमारी चेंज हुई है। अभी हमने ये रियलाइज किया कि वाकई में ही टेक्नोलॉजी जो है ये हमारी बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी है, इसी के जरिए शायद आगे बहुत कुछ हमें आगे ले जाना होगा। होम भी स्कूल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, खरी को हमें स्कूल बनाना पड़ गया है, हर एक इंस्टीट्यूशन अपने आप में ही मोबाइल से ही अपने आप का शिक्षा या कंप्यूटर से ही पूरा शिक्षा या ट्रेनिंग की जिम्मेवारी ले रहे हैं। बस थोड़ी सी एक ख्वाहिश थी वो यही है कि देश में अभी भी जो है बहुत संख्या जो है हमारी दिव्यांगजन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जीते हैं, बहुत से रूरल पॉपुलेशन है, बहुत से गरीब पॉपुलेशन है जिनके पास जो है ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आईसीटी या किसी भी प्रकार के टेक्नोलॉजी का साधन नहीं है। तो क्या हम किस प्रकार से लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के बारे में भी साथ साथ सोच सके कि जितने भी रूरल पॉपुलेशन है या जो भी इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है उनके लिए भी हम किस तरीके से ये रास्ता सुगम बना सके, इसके ऊपर भी चर्चा की आवश्यकता है। और दूसरा मैं पुनः कहूंगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट सीआरसी और जितने भी एनजीओ हैं, हम सबके लिए ये समय आ गया, हम सबको कॉन्वर्जेंस में आना होगा। और एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, जितने भी एनआईटीज है, आईआईटीज है, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, उनके साथ हमें कॉन्वर्स करना होगा, बिकॉज साइंस बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। आईआईटीज में जब हम विजिट करते हैं, एनआईटीज जब विजिट करते हैं, साइंस इतना ज्यादा आगे बढ़ गई है, तो उनको जब हम हमारा कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो उनका 4-5 डिपार्टमेंट मिलके उस प्रॉब्लम का जो विश्लेषण करते हैं वो बिल्कुल हमारी विचारधारा से बिल्कुल अलग होती है, बहुत ही अलग प्रकार का नॉलेज और स्किल सेट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सेकंड रिक्वेस्ट यही भी ये भी होगा कि हम सब लोग मिलके किस तरह से कॉन्वर्स करें और आईआईटी एनआईटीज और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन को भी इस मुहिम में शामिल करें। तो पुनः मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये दोनों मुद्दे के ऊपर भी आप लोग चर्चा करें, द रूरल पॉपुलेशन, द फाइनेंशियली नॉट सो वेल ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑल्सो द मोडालिटी ऑफ कॉन्वर्जेंस, जिससे ये टेक्नोलॉजी चीज को हम बहुत ज्यादा आगे ले जा पाए, जिससे दिव्यांगजनों की भविष्य जो है वो पूरी तरह से समावेशन और समाकलन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद जगीसी और समूह रिसोर्स पर्सन को भी मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रोग्राम में जुड़ने का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में काफी लंबे समय से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन ये डिपार्टमेंट डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, और आपकी परसेप्शन बड़ी क्लियर है विजुअल इम्पेयरमेंट फील्ड में जो जो उनके लिए उनकी आवश्यकताएं हैं। तो सर ने बड़ी क्लियरली बोला कि हमें ग्रास रूट लेवल तक भी आईटी पहुंचानी चाहिए, और सर को जानकारी भी है कि हमारे साथ जो पहला पर्सनालिटी व्यक्तित्व जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया है और 1990 से इस फील्ड से वो जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ मिस्टर दीपेंद्र मनोचा, वो और आईटी इंटर रिलेटेड हो गए, इंटीग्रेटेड हो गए हैं, और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जितना काम इनका है उन सबसे उन जो बेनिफिशरीज तैयार हुए हैं आज की डेट में वो सब कंप्यूटर में, मोबाइल में, मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स में और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स में कितने एक्सपर्ट हैं, कितनी फ्रीली इन चीजों को यूज करते हैं, उसका सारा क्रेडिट मिस्टर दीपेंद्र मनोचा को जाता है। मिस्टर दीपेंद्र मनोचा सक्षम ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और डेजी फोरम और दीपेंद्र मनोचा इंडिया में डेजी फोरम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और आज की डेट में डेजी फोरम में जितनी बुक्स एक्सेसिबल बनाई जा रही हैं उन सब के पीछे एक ही नाम मिस्टर दीपेंद्र मनोचा का है और उनकी पूरी टीम का है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक दो बातें इंपॉर्टेंट और इनके बारे में मुझे बतानी है कि नेशनल लेवल का जो अवार्ड है प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाने वाला, वो अवार्ड और कई अन्य नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से इन्हें नवाजा जा चुका है अब तक, और बड़ी जस्टिफाइबली, बहुत डिजर्विंगली ये सारे अवार्ड्स इन्हें प्राप्त हुए हैं। तो मैं मिस्टर मनोचा
इनवाइट करूंगा कि आज जो हमारे साथ इतने लोग जुड़े हैं वो सब बेनिफिट हो सके इस आपके आपके विचारों से। और साथ में मैं लोगों से निवेदन ये करूंगा, जिसको क्वेश्चन पूछना होगा बीच में स्पीकर ऑन करके ना पूछें, वो हमें टेक्स्ट कर दें या किसी तरह से टेक्स्ट के माध्यम से हम तक भेजें, तो वो आखिर में हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं वो क्वेश्चंस ले लेंगी। और कंसर्न व्यक्ति आप ये भी लिख दें कि किससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कंसर्न व्यक्ति को क्वेश्चन एड्रेस करके हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। मिस्टर मनोचा आइए। थैंक यू कमलवीर जी एंड हिमांशु दास जी, आपने आपके साथ ये आपके डायरेक्टर बनने के बाद NIPVD के डायरेक्टर से टेक ओवर करने के लिए के बाद में पहली हमारा इंटरेक्शन हो रहा है आज इस मंच पे, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। और आपका इस आई थिंक टेक्नोलॉजी के बारे में जो एम्फेसिस किया जा रहा है बहुत सटीक, बहुत सही विजन को लेकर के हिमांशु दास जी ने आपने इसके बारे में जो बात करी, तो मेरा मानना तो यही है कि जो फंक्शनल लिमिटेशन आती है ब्लाइंडनेस के बाद, उसको बहुत हद तक टेक्नोलॉजी दूर कर सकती है। और ये बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन डिसेबिलिटी की ही सिर्फ फंक्शनल लिमिटेशंस को लेकर के ही होती है, और अगर उसी को ही हम टेक्नोलॉजी से ओवरकम कर लेते हैं तो एक किस्म से हम डिसेबिलिटी का जो भी इम्पैक्ट है उसको मिनिमम कर पाते हैं, अगर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमारे पास हो। और टेक्नोलॉजी को या असिस्टिव टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए इसके बारे में दो तीन बड़ी कुछ कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको ध्यान में रख करके हम लोग ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते हैं। और उसमें सबसे पहली बात ये कि टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज असिस्टिव टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। अगर कोई ऐसा डिवाइस निकलता है जो जिसकी कॉस्ट 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए पर डिवाइस है, और वो अगर हमें किसी ग्राफिक्स को पढ़ने में काम दे रहा है या किताब पढ़ने में काम दे रहा है, तो ऐसा इतना महंगा डिवाइस आफ्टर ऑल उसका होना या ना होना लगभग मैसेज के लिए तो बराबर है। इसी तरीके से हम लोग जब काम करते हैं तो अपनी भाषा में काम करते हैं, हम अपनी सारी पढ़ाई अपनी भाषा में कर रहे हैं ज़्यादातर हम लोग, तो उसका हमारी भाषा में उपलब्ध होना भी बड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा फिर इसमें जो बात आती है कि उसकी अवेलेबिलिटी और उसका सपोर्ट, सेल्स एंड सपोर्ट के बारे में, कि जब जब कोई डिवाइस लोगों तक पहुंचे अगर वो खराब हो रहा है तो उसको रिपेयर कहाँ से कराया जा सके, अगर उसके अंदर कोई कॉम्पोनेंट चेंज होना है कोई उसके बारे में सीखना है तो वो सपोर्ट कैसे मिले, ये डिस्ट्रीब्यूशन और इसका अफोर्डेबल होना और अपनी अपनी लैंग्वेज में इसकी अवेलेबिलिटी, एक हमारे पास चैलेंजेस रहे हैं बहुत टाइम से। और एक और जो मेन जो इशू है वो ये कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइस अपने आप में अकेला पूरा सॉल्यूशन नहीं है। ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस जो हैं ये एक इकोसिस्टम का हिस्सा है, एक तंत्र का हिस्सा है, उनको उसी तरीके से पूरे तंत्र के हिस्से के रूप में देखना पड़ेगा और उनको डिप्लॉय। तो ये जो डिवाइसेस का जो बात है कि इकोसिस्टम का, इसका मैं एक उदाहरण छोटा सा दूंगा कि स्मार्टफोन अगर आप पकड़ा देते हैं और उसमें तो अगर आप स्मार्टफोन देते हैं और उसको आप अगर उसके सोर्सेस के साथ उनके एप्स को नहीं जोड़ पाते हैं, तो फिर ये स्मार्टफोन का जो यूटिलाइजेशन है वो कुछ बहुत छोटा सा ही परसेंटेज उसका रह जाएगा। मेन जो उसका यूटिलाइजेशन है वो ये है कि वो अपने इकोसिस्टम के साथ जुड़ा रहे। तो आज कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दो टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू जरूर दे देता हूँ कि इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए सक्षम ने प्रयास किया और एक sectech.in नाम की वेबसाइट भी क्रिएट करी कि जिसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी लोगों तक हम लोग उपलब्ध करवा पाए, जिसमें कई सारे टॉकिंग डिवाइसेस, डेली लिविंग डिवाइसेस, पढ़ने लिखने के लिए डिवाइसेस, वोकेशनल हमारे जो एक हम लोग जो बात शुरू कर रहे थे कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
हम लोगों ने सेटअप किया है, कोशिश करिए कि जो जो फर्स्ट थिंग है कि किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी हम लोग करा पाए, इन्हीं सब प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए कि अफोर्डेबिलिटी इंडियन लैंग्वेज के साथ, कंपैटिबिलिटी के साथ चीजों को हम लोग इंट्रोड्यूस करवा पाए, और इसको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी कहां पर भी लोगों को अगर चाहिए तो वो अलग अलग तरीके से, चाहे वो टेलीफोन के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, एसएमएस, या अगर वो वेबसाइट्स कर सकते हैं तो उनके थ्रू भी जुड़ करके अपने मतलब की, अपने जो वो चाहते हैं उस तरह की असिस्टिव टेक्नोलॉजी को वो प्राप्त कर सके, इसका एक प्रयास हम लोगों ने किया है इसमें। तो इसमें कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं कि जिनको कि हम लोग दुनिया में बने हुए हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ अवेलेबल करवाया है, जैसे टॉकिंग थर्मामीटर्स, कैलकुलेटर्स वगैरह, ये ऐसे कई सारी चीजें इस तरह की होंगी कि जो कि इंटरनेशनली अवेलेबल थी, हमारे देश में नहीं थी तो उनको अवेलेबल करवाया। दूसरा फिर ये कि कुछ चीजों को स्पेशली कन्फिगर किया जो ओरिजिनली नहीं थी लेकिन हमारे देश में उनको उपलब्ध कराने के लिए उनको स्पेशली कन्फिगर कराने की जरूरत थी, जिसमें कि स्मार्टफोन एक हमारा प्रयास रहा था, जो कि 2007 में खासतौर से जिसको हम लोग लेकर के आए थे, कि उसकी मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि उस टाइम पे एंड्रॉयड जैसे फोन नहीं थे, सब सिम्बियन के नोकिया जैसे टाइप वाले फोन थे, और उनको इंडियन लैंग्वेजेस के साथ कन्फिगर करके और स्पेशल कॉस्ट पे, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द कॉस्ट जो उसकी इंटरनेशनल कॉस्ट थी, उसे 1/3 कॉस्ट में उसको हम लोग इंडिया में अवेलेबल करवा पाए थे। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है कि जिसमें स्पेशली किसी चीज को कन्फिगर किया बाहर से या देश से ही, अलग अलग कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके इंडिया के मुताबिक उसको सॉल्यूशन के तरीके से इकट्ठा करके और लोगों को प्रेजेंट किया। तीसरी चीज उसमें है कि जहां पर कोई एक नया ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और जिसको हम लोग ऑफ द शेल्फ एकदम उठा के प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके लिए फिर डेवलपमेंट का भी प्रयास किया, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ मिलकर के असिस्टेक लैब बनाई और उसमें नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए प्रयासरत हम लोग रहे, जिसमें स्मार्ट केन और रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्लेज इत्यादि कई इस तरह के फिर इनिशिएटिव्स वहां से निकल के आए, जिसमें नए प्रोडक्ट्स, नए सॉल्यूशंस और टेक्टाइल बुक्स भी मैं कहूंगा कि उसमें शामिल है। तो ये सारे सॉल्यूशंस हम लोग नए बनाने के तरफ हम लोग अग्रसर हुए। तो इस तरह से 2-3-4 चीजें लेकर के हम लोग चले। अब मैं कुछ दो स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेकर के आ रहा हूँ कि जिसमें पूरे इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस और जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम लोग उसका एग्जांपल देख पाएंगे। पहला ये एक एग्जांपल बुक्स, बुक रीडिंग सॉल्यूशंस को लेकर के है। एनआईपीवीडी और डेजी फोरम ऑफ इंडिया और इंडस्ट्री पार्टनर टीसीएस ने मिल करके एक सिंगल सॉल्यूशन हम लोगों ने क्रिएट किया, सुगम्य पुस्तकालय, एक ऑनलाइन लाइब्रेरी का। ये एक नेशनल रिपोजिटरी है, यानी इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी एनजीओज हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि किताबें एक्सेसिबल फॉर्मेट में बनाती हैं, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो ई टेक्स्ट हो, लार्ज प्रिंट हो, ब्रेल हो, तो ये सब संस्थाएं इस ऑनलाइन लाइब्रेरी से जुड़ रही हैं। और हम लोग जो भी लोग इस सुगम्य पुस्तकालय पर जुड़े हैं ऑर्गेनाइजेशंस, हम जो भी टेक्स्ट, जो भी किताब बना रहे हैं, सबको इसी एक फोरम पे इकट्ठा कर दे रहे हैं। तो एक ये जॉइंट नेशनल रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है, जिस और यही रिपोजिटरी इंटरनेशनल लाइब्रेरीज के साथ मिलकर के विदेशों का कंटेंट भी यहाँ इंडिया में सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से अवेलेबल करा रहे हैं। तो उसमें बुक शेयर की बुक्स भी, जैसे जब आप सुगम्य पुस्तकालय पे आएंगे और वहां पे जब किताबों को सर्च करेंगे तो उसमें बुक शेयर की बुक्स का रिजल्ट भी आपको साथ में मिलेगा। इसी के साथ साथ एक एक्सेसिबल बुक्स कंसोर्टियम करके ग्लोबल लाइब्रेरी क्रिएट हुई है, जिसमें भी कई लाखों पुस्तकें उपलब्ध हैं, तो वो सब पुस्तकें भी सुगम पुस्तकालय के माध्यम से हम लोग डिलीवर कर पा रहे हैं। तो एक यूजर जब एक सुगम पुस्तकालय से जुड़ता है तो उसको लाखों किताबों का एक्सेस मिलता है, वो चाहे दिल्ली में सक्षम में बनी हुई किताब हो या एनआईपीवीडी की टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की बनी हुई किताब हो, वो सब इसी एक सिंगल फोरम पे अवेलेबल है, चाहे वो बुक शेयर की इंटरनेशनल कलेक्शन हो या एबीसी की इंटरनेशनल कलेक्शन हो, वो सब उस यूजर को इस सिंगल प्लेटफॉर्म पे
उपलब्ध हो पा रही है। अब ये तो एक पार्ट हो गया कहानी का, अब यूजर इसको कैसे यूज करे, तो हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता कि ठीक है हमने अपनी जो किताब बनाई, एक कंटेंट हमने क्रिएट किया और उसको इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे हमने उसको चढ़ा दिया। इसका जो पार्ट है कि भाई यूजर उसको कैसे पढ़ेगा, कैसे वो किताब उस तक पहुंचेगी, कैसे वो किताब को डाउनलोड करेगा और उसको वो पढ़ेगा कैसे, तो उसके लिए मैं आपके सामने अभी एक ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अभी जो स्क्रीन पर जो मैंने शेयर किया है उसमें ये मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन एंड्रॉइड का मोबाइल फोन है। अब इसमें एक ऐप मैंने इसमें इंस्टॉल की हुई है, ये ऐप डेजी कंसोर्टियम के द्वारा ही बनाई गई जो इंटरनेशनल नेटवर्क है, और इसको खासतौर से भारत के नेटवर्क के लिए ही बनाया गया है, और इसका नाम है सिंपली रीडिंग ऐप, और ये प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। जब इस ऐप को हम लोग खोलते हैं तो इसका जो बेसिक बुकशेल्फ हमारे सामने आ जाता है, इस बुकशेल्फ के अंदर किताबों के जो जो किताबें मैंने डाउनलोड कर रखी है उन किताबों के नाम होंगे, जैसे मॉडर्न साउथ एशिया अननोन ऑथर टाइप एपी यूपी, भारतीय लिपियों की कहानी गुणाकर मुखे टाइप एपी यूपी 36.00% रीड ऑन द 23rd ऑफ जुलाई 2022 59 PM। तो ये एक जैसे किताब है जो सुगम पुस्तकालय से डाउनलोडेड है, भारतीय लिपियों की कहानी। अगर मैं इसको ओपन पॉपअप विंडो डबल क्लिक करता हूँ, डबल टैप करता हूँ, तो ओपन का बटन आता है, रीड अ पेज, नेविगेट अप बटन। तो ये किताब उसने खोल दी है, जहां पर मैंने पिछली बार जहां तक उसको छोड़ा था वो वहीं पर उसने उसी पेज पे ला करके उस किताब को खोल दिया है। एक छोटा वृत्त खींचकर उसके चारों ओर किरणों की रेखाएं खींची जाए तो यह चित्र या संकेत सूर्य का द्योतक होगा, फिर इसी संकेत से तारे का भी बोध हो सकता है, भाव संकेत कहेंगे इसी प्रकार। तो इसको मैं एक एक सेंटेंस या एक एक फ्रेज के तरीके से भी पढ़ सकता हूँ, या इसको एक कंटिन्यूस रीडिंग की कमांड भी दी जा सकती है। दो पैरों के संकेत से चलने या दौड़ने का बोध हो सकता है, ऐसे ही चित्र संकेतों और भाव संकेतों से लेखन की शुरुआत हुई। ऐसे कुछ चित्र संकेत और भाव संकेत नवपाषाण युग में ही अस्तित्व में आ चुके हैं। हमको ये बात पता है कि जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने के लिए सिर्फ उसको एक गाने की तरह शुरू से लेकर अंत तक नहीं सुना जाता है, तो उसमें नेविगेशन की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है। तो ये सिंपली रीडिंग ऐप हमें नेविगेट करने के लिए बहुत सुविधाएं देती है, कि जैसे मैं अगर इस किताब को जब फ्रेज बाय फ्रेज पढ़ रहा था तो इसकी जगह पे नेक्स्ट हेडिंग या प्रीवियस हेडिंग पे सीधा जंप किया जा सकता है। Controls, characters, words. तो एक एक शब्द करके भी अगर मुझे जाना है तो अब मैं डाउन सिंगल फिंगर स्वाइप डाउन करने से ये मैंने नेविगेशन का जो मोड है वो सेलेक्ट कर लिया, और सिंगल फिंगर से ही एक स्वाइप राइट कर रहा हूँ। तो ये एक एक शब्द करके जा रहा है, और यदि इसी को मैं एक सिंगल फिंगर स्वाइप अप कैरेक्टर पे आ गया, मतलब ये एक एक अक्षर से चलने, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका एक एक स्पेलिंग भी मैं इसको नेविगेट कर सकता हूँ इसके अंदर, और controls, lists, headings, default, अब अगर headings पे और default, तो इस तरीके से ये नेविगेशन हुआ जो पढ़ते समय टेक्स्ट के अंदर हो रहा है। ऐसे ही मैं एक कमांड दे रहा हूँ, टू फिंगर स्वाइप अप, मुझे किताब का टेबल ऑफ कंटेंट खोल दिया है, और इसमें पूरा जितने भी इसके सेक्शंस हैं इस किताब के, उन सेक्शंस को ये मुझे पढ़ के, 12 नाम की लिपि, 11 सिद्धांत का लिपि, 13 प्रादेशिक लिपि, 12 नाम की लिपि। जैसे इस चैप्टर को अगर 679 पेज नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं, करीब दो सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
हमारे पड़ोसी देश नेपाल। तो ये आप जिससे देख रहे हैं कि किस सरलता से मैं इसको किताब को पढ़ पा रहा हूँ, पर जो मैंने तो अभी जब जो मैं इसको इकोसिस्टम से जोड़ने की जो बात कर रहा था, तो इसमें नेविगेशन फैसिलिटीज वगैरह के अलावा सेंट्रल रीडिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और पार्ट है वो ये है कि इसके अंदर मैं एक और स्क्रीन पर गया हूँ जिसमें लिस्ट आ रही है कि मैं कहाँ कहाँ से इस पे किताबों को डाउनलोड कर सकता हूँ। पुस्तकालय तो इसमें एक ये आपके सामने एक वो ऑप्शन है सुगम्य पुस्तकालय। तो जो मैं पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहा था उसको अगर हम इसमें देखना चाहें तो सुगम्य पुस्तकालय पे जैसे जा करके यहाँ पर मैं किताबों को सर्च कर सकता हूँ। तो सर्च को मैंने अगर यहाँ पे ओपन किया सुगम्य पुस्तकालय Powered by TCS app, back to bookshelf, search by title, तो टाइटल सर्च की जा सकती है या फिर browse by format. ब्राउज बाय फॉर्मेट वगैरह, दोनों ऑप्शंस यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं। तो अगर मैं फॉर्मेट का ही, चलिए इसे ब्राउज बाय फॉर्मेट सुगम्य ही देख लेता पुस्तकालय, हूँ, navigate तो ये up button. सुगम्य पुस्तकालय के सर्वर पे से इसने इस फॉर्मेट की स्पेसिफिक फॉर्मेट जो मैंने अभी टेक्स्ट वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट किया हुआ है, ऑडियो बुक्स को भी इसमें से मास्क आउट कर देगा ये। Lights out format, APU, e-text only, test upload book format, test book upload, 316:1 geography format, APU, e-text only, author, National Institute of Open Schooling. तो ये NIOS की जैसे कोई किताब है और EPUB बुक उसमें बोला है। तो मैं इस किताब को, मैंने अभी यहाँ पर एक कमांड दी थी कि इस किताब को मैंने सिलेक्ट किया, और इस किताब को सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड का बटन मैंने प्रेस किया। बीच में थोड़ा सा मैं म्यूट हो गया था उसमें, तो 316:1 geography format AP test book format APU e-text only author test तो मैं अब इसमें बैक जा रहा हूँ। back button सुगम्य पुस्तकालय browse by format search by title back button और यहाँ पर मेरे पास में जब सर्च के अंदर जहां से मैं गया search था, books सर्च की जगह अब book साफ, categories downloads तो यहाँ पे मेरे पास ये डाउनलोड्स नाम का भी इसमें ऑप्शन है। उसमें जब मैं जाऊंगा तो जिस किताब को डाउनलोड करने के मैंने रिक्वेस्ट डाली है उसकी लिस्ट मेरे पास है। 313:2 जोड़ 3 इतिहास गो टू लाइब्रेरी भारतीय लिपि की कहानी मॉडर्न साउथ एशिया गो टू सुगम्य पुस्तकालय मॉडर्न भारतीय 316:1 जियोग्राफी रेडी तो टू ये डाउनलोड ज्योग्राफी वाली किताब थी और साथ में उसने मुझे ये भी बताया कि इट इज रेडी टू डाउनलोड। तो यहीं पर ही फिर मैं उसको डबल डाउनलोडिंग डबल टैप कर डाउनलोडिंग दे रहा हूँ, 316:1 जियोग्राफी और यहाँ पे उसने मुझे बताया कि किताब को डाउनलोड कर रहा है। 313:1 जियोग्राफी रेडी टू डाउनलोड ये समय डाउनलोडिंग इसकी चल रही है। 316:1 geography ready to download 316:1 geography downloaded successfully तो go ये to library मैसेज इसने दे दिया कि ये डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया है। और मैं वापस, अब अगर बुकशेल्फ पे वापस जाऊंगा modern south asia back to bookshelf simply reading drop modern south bharati 316:1 geography unknown author type apub तो ये किताब मेरे बुकशेल्फ में डाउनलोड होकर के आ गई है। इसी को open pop-up window डबल टैप करके ओपन, calculating pages orientation lock read a page navigate up button no content available to read on this no content available overview settings text to speech setting simply reading read a page book loading progress तो ये किताब मैंने अभी इस समय खोली है और ये इस किताब को स्क्रीन पर इसका टेक्स्ट आ गया है और इसको पढ़ना ये शुरू This किया book जा सकता है। और वो जो सारी फैसिलिटीज मैंने दिखाई थी कि Color table of टेबल contents. ऑफ कंटेंट्स I पे, want you to changing face of the earth. जैसे सीधा ही Read a मैं page. उस फिफ्थ Navigate up button. हेडिंग पे चला गया हूँ। Navigation complete. Orientation unlocked. 202 of 2007. The earth is the lone planet with developed life in the universe. तो ये किताब आपके सामने मैं इसको इसलिए ये सब दिखा रहा था कि यहाँ पर जो आपने देखा कि ये स्मार्टफोन सिर्फ अपने आप में अकेला डिवाइस नहीं है, ये सुगम्य पुस्तकालय जैसी लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ डिवाइस है। सिंपल रीडिंग ऐप को इसमें डाउनलोड कर देने से ये उस इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाता है,
और आपके पास जो लाखों किताबों का जो ऑप्शन है उसको आपके पास हमेशा ये आपके जेब में, जब तक आपके स्मार्टफोन है आपके पास में, आपके पास लाखों किताबें उसी समय रखी हुई हैं। आप किताबों को सर्च करके, डाउनलोड करके और सीधा इसी में खोल के पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आपका नाम क्या है सर? सिंपली रीडिंग। हाँ ठीक है सर, आप लोग बीच में इंटरप्ट ना करें, क्वेश्चन हमें भेज दें, हम पूछवा देंगे बाद में, प्लीज। हाँ ठीक ठीक है सर, थैंक यू। हाँ ओके। तो इसी तरीके से एक तो ये सिंपली रीडिंग ऐप जो कि सुगम्य पुस्तकालय से जुड़ी हुई है, इससे आपको बता सकते हैं। साथ ही में इसी से जुड़ा हुआ डिवाइस दूसरा ऑप्शन भी है जो मैं शो कर रहा हूँ। इसको हम लोग एक ये हार्डवेयर डेजी प्लेयर है जिसको ईवो ई टेन बोल रहे हैं। ये ईवो ई टेन डेजी प्लेयर, जिसको पहले हम लोग एंजल प्लेयर जैसे डिवाइस या वाचक जैसे डिवाइस या E5 या E10, ये सब डेजी प्लेयर्स हैं के ही नाम है। अब ये जो E10 डिवाइस है ये बहुत एक किस्म से कह लीजिए कि एडवांस्ड डेजी प्लेयर है। ये वाईफाई से, इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस है। इसके जो मुख्य जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये जो डिजिटल टेक्स्ट है, लगभग 16 भारतीय भाषाओं के डिजिटल टेक्स्ट को पढ़ने की क्षमता इसमें है। आप कोई भी इसके अंदर उड़िया या पंजाबी या आसामीज या हिंदी, तमिल, तेलुगु, किसी भी भाषा का टेक्स्ट अगर आप इसको इसके अंदर डालेंगे तो उसको ये वॉइस में कन्वर्ट करके सुना सकता है। इसके अंदर वाईफाई कनेक्ट जो इसके जो अदर जो फीचर्स हैं कि ये ऑडियो ऑडियो बुक्स, ई टेक्स्ट बुक्स, वर्ड फाइल्स, PDF, TXT आदि कई सारे फॉर्मेट्स को, यहाँ तक कि वीडियो फॉर्मेट्स MP4 वगैरह को भी प्ले इसमें किया जा सकता है। इसमें किताबें पढ़, इसमें ये अपने आप में एक वॉइस रिकॉर्डर भी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की वॉइस रिकॉर्डिंग इसमें हो जाती है और कई घंटों की वॉइस रिकॉर्डिंग इसमें पॉसिबल है। कई घंटे मतलब ओवर टाइम सेइंग इसकी, ये 100 घंटे से भी ज्यादा की वॉइस रिकॉर्डिंग इसमें एक्चुअली आप सेव कर सकते हैं। 10 से 12 घंटे का इसके अंदर बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है। रिकॉर्डिंग और किताबें पढ़ने के अलावा इसमें इंटरनेट रेडियो, पॉडकास्ट आदि सुनने की सुविधा भी है। ये अपने आप में एक टॉकिंग कैलकुलेटर भी है, टॉकिंग कंपास भी है और टॉकिंग कैलक्यूग्राफ भी है। इसमें FM रेडियो भी है। तो ये सारी की सारी सुविधाएं हमें इस हार्डवेयर डेजी प्लेयर में मिल जाती हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि ये भारत भारत के लिए इसको जो हम लोगों ने स्पेशली कॉन्फ़िगर किया है, तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सुगम्य पुस्तकालय और बुक शेयर जैसी ऑनलाइन लाइब्रेरी से भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे मैं इसके अंदर तो ये एक जैसे जब मैं इस जो उसकी जो रूट है उसके अंदर ही ये सुगम्य पुस्तकालय का आइटम इसमें मिल जाता है। बाकी सब चीजें भी यहीं पर ही हैं, बुक शेयर भी है, इंटरनेट रेडियो, पॉडकास्ट वगैरह भी सब इसी के साथ साथ में ये सुगम्य पुस्तकालय की एंट्री है। इसके अंदर अगर मैं जाऊं डाउनलोड इन बुक्स तो यहाँ पर मेरे पास ओके बटन दबा देने से इसके अंदर जब गया तो इसका मेन्यू, सुगम्य पुस्तकालय का मेन्यू इसमें खुल गया है। सबसे पहले डाउनलोडेड बुक्स हैं, डाउनलोड रिक्वेस्ट, डाउनलोड रिक्वेस्ट हैं, एडवांस्ड सर्च, एडवांस सर्च हमें मिल जाता है। तो अगर मैं इसमें एडवांस सर्च के अंदर जैसे जाऊं टाइटल, तो टाइटल को अगर मुझे सर्च करना है कि तो इसमें मुझे कीज इनपुट, टाइपिंग की भी सुविधा, इसमें इसमें कीज बहुत कम है, मुश्किल से 10-12 कीज हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक इनोवेटिव तरीका है टाइप करने का। जैसे मैं इसमें 11 सिर्फ टाइप कर रहा हूँ ताकि मुझे क्लास 11 या इस तरह की कुछ जो भी बुक्स हैं वो मुझे दिख जाए इसमें। कैपिटल लेटर, कैपिटल स्मॉल सिंबल डिजिट 0, तो इसमें मैंने पहले ये सिलेक्ट कर लिया कि मुझे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर या सिंबल या डिजिट क्या चीज टाइप करनी है। जब मैं डिजिट पे आ गया हूँ, डाउन एरो प्रेस किया है तो ये 1, एक पे चला गया है और राइट एरो प्रेस कर देने से 1 इनपुटेड, ये 1 टाइप हो गया। ऐसे ही अगर मुझे इसको 3 टाइप करना है तो डाउन एरो से ही, 1, 2, 3,
थ्री पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे अभी फिलहाल वन ही करना है, तो आप एरो से वापस वन पे आके, अब मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूं, तो उससे ये वन इनपुटेड, ये दो बार वन टाइप हो गया, मैं ओके बटन प्रेस कर रहा हूं। टाइटल 11, अब इसी में नीचे जाके मैं देख रहा हूं, लैंग्वेज हिंदी, अभी मैंने इसको कहा कि भाई ये हिंदी लैंग्वेज मैंने सिलेक्ट कर दी, क्योंकि 11वीं जो भी क्लास या जो टाइटल में अगर 11 आता है तो उसको सर्च करे और हिंदी में ही, हिंदी की बुक्स ही मुझे दिखाए। फॉर्मेट ऑल सर्च, सर्च पे मैं डाउन एरो से पहुंच गया हूं और यहां पर ओके बटन प्रेस कर दे रहा हूं। ईजो 11 समाज का अध्ययन, समाज शास्त्र को समझना, कहीं वन देसी ऑडियो ओनली 127 मेगाबाइट। तो ये एक पहली किताब जो उसको मिली है, ये इग्नू का स्टडी मटेरियल है, ईसो करके उसका वो 11 उसका कोड आ गया है इसमें, और ये ऑडियो की बुक है। अब मैं ऑडियो की बुक को अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इसको डाउनलोड करना है, तो योर डाउनलोड रिक्वेस्ट हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यू विल बी नोटिफाइड वंस द बुक इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड। तो मेरी डाउनलोड की रिक्वेस्ट रजिस्टर हो गई है और मेरे को नोटिफाई कर दिया जाएगा जब भी किताब डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगी। मैं इसी के आगे कुछ और बुक्स भी देख लेता हूँ। ईजो 11 समाज का अध्ययन, सामाजिक नियंत्रण, परिवर्तन और विकास, कई डेट देसी ऑडियो, ईजो 11 वन समाज शास्त्र को समझना, देसी टेक्स्ट ओनली 366 किलोबाइट। तो अब ये एक और किताब है जिसको जो ये टेक्स्ट ओनली बुक है, पहले मैंने एक ऑडियो बुक सिलेक्ट करी थी, अब मैं टेक्स्ट वाली बुक को यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। Your download request has been registered successfully. You will be notified once the book is available for download. तो ये दो किताबें मैंने अभी रिक्वेस्ट करी हैं। अब मैं वापस Advanced search से अब मैं अपनी डाउनलोड रिक्वेस्ट अपैरो से जब मैं गया हूँ तो उसके अंदर अब जा रहा हूँ। ईजो 11 वन समाज शास्त्र को समझना, देसी टेक्स्ट ओनली, अवेलेबल फॉर डाउनलोड। तो ये जो किताब मैंने टेक्स्ट ओनली वाली बुक जो डाउनलोड के लिए रिक्वेस्ट करी थी, ये ऑलरेडी अवेलेबल फॉर डाउनलोड, मतलब इसमें मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये डाउनलोडिंग इसकी यहीं से ही शुरू हो जाएगी। डू यू वांट टू डाउनलोड दिस बुक, फिर ओके बटन प्रेस कर दे रहा हूं। डाउनलोडिंग ईजो 11 वन समाज शास्त्र को समझना -7, ऐसी मैं डाउनलोड करके और भी किताबें देख लेता हूं। हिंदी साहित्य डाउनलोडेड, अशोक डाउनलोडेड, ईजो 11 वन डाउनलोडेड, हिंदी साहित्य का अधिकतम -8 डाउनलोडेड, अशोक हर 6। ये डाउनलोडेड बुक्स में इस समय पहुंच गया हूं, मैं वापस बैक करके डाउनलोडेड बुक डाउनलोड रिक्वेस्ट, दोबारा से डाउनलोड रिक्वेस्ट में गया हूं। क्लास 11 राजनीतिक सिद्धांत, देसी ऑडियो ओनली, अवेलेबल फॉर डाउनलोड। ईजो 11 टू समूह और संस्कृत, देसी टेक्स्ट ओनली, अवेलेबल। ईजो 11 वन समाज शास्त्र को समझना, देसी टेक्स्ट ओनली। ईजो 11 समाज का अध्ययन, समाज शास्त्र को समझना, कई वन देसी ऑडियो ओनली, क्यूर। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये किताब जिसको मैंने अभी ऑडियो बुक को जिसको मैंने अभी रिक्वेस्ट डाला था, उसमें ये मुझे जो इसका स्टेटस बता रहा है वो क्यूड बता रहा है, यानी इसकी रिक्वेस्ट डली हुई है अभी, अभी के अभी आपके सामने डाली थी, और इसको पूरा होने में मैक्सिमम 2 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि हर 2 घंटे बाद इसके प्रोसेसिंग होती है ऑडियो बुक्स को डाउनलोड को अवेलेबल कराने के लिए। मैंने 1:40 पे ट्रायल करने के लिए एक किताब का रिक्वेस्ट डाला था, उस किताब के आगे भी स्टेटस जो उसका क्यूड नहीं आ रहा, उसके आगे ऑलरेडी उसको अवेलेबल फॉर डाउनलोड का। क्लास 11 राजनीतिक सिद्धांत, देसी ऑडियो ओनली, अवेलेबल फॉर डाउनलोड। तो ये मैंने लगभग 2:40 पे आज इसकी रिक्वेस्ट करी थी और ये अवेलेबल फॉर डाउनलोड दिखा रहा है। तो यहाँ पे जब मैं इसको डाउनलोडिंग के लिए 2 बार ओके बटन दबाऊंगा तो ये किताब डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। मैं ऑलरेडी डाउनलोडेड बुक्स में गया हूं। डाउनलोडेड ईजो 11 वन समाज शास्त्र को समझना -7। ये किताब अभी अभी मैंने इसी डेमो के दौरान डाउनलोड करी थी, मैं इसको ओपन कर दे रहा हूं। अनपैकेजिंग, प्लीज वेट।
सैमेट शास्त्र को समझाना इज़ो 11:1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ इज़ो 11 समाज का अध्ययन समाज। ये किताब खोल के इसने पढ़ना शुरू कर दिया और इसमें भी सारी वो नेविगेशन फैसिलिटीज लेवल 3 हेडिंग लेवल्स के लेवल 2 पे जंप करना यानी नेक्स्ट विशेषज्ञ समिति प्रोफेसर पाठ लेखक डॉक्टर पी अनुवाद श्रीमती मधु भंडारी पाठ्यक्रम संशोधन डॉक्टर सामग्री उत्पादन श्री संपादक प्रोफेसर अनुवाद संकाय सदन लेवल 1 आइए हम शुरू करें समाज का अध्ययन 11 समाजशास्त्र में अच्छी पाठ्यक्रम। मैंने जब हेडिंग 1 पे जाकर के और राइटर प्रेस किया तो नेक्स्ट सेक्शन पे इसने जंप कर दिया। तो इसी तरह से पेज नेविगेशन गो टू बिगिनिंग बुकमार्क फ्रेज पेज तो ये सारी मेरे पास आप या डाउन एरो से मैं इसको सिलेक्ट कर पा रहा हूँ कि किस तरीके से इसको नेविगेट किया जाएगा और लेफ्ट या राइट एरो से उसी चीज के ऊपर ये नेविगेट कर जाता है। जैसे मैंने इसको अभी अगर पेज अगर किया है इकाई के भागों का क्रमांकन इकाई के भागों की संख्या अलग अलग चौथे पेज पर जंप किया और इसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये एक छोटा सा एक किस्म से एक ओवरव्यू था एक डेमो था इस चीज का कि ये दोनों ही चीजें सिंपली रीडिंग ऐप एंड्रॉइड के ऊपर जिसमें आपके पास सुगम पुस्तकालय की लाइब्रेरी की मेंबरशिप या बुकशेयर की मेंबरशिप्स हैं तो उसमें से डायरेक्टली आप कर पाएंगे और उन्हीं मेंबरशिप के को यूज करने के लिए E10 डेजी प्लेयर भी अब उपलब्ध है जो कि एक एक किस्म से पूरा इकोसिस्टम देता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि डिजिटल एक्सेसिबल कंटेंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसको सुगम्य पुस्तकालय पे अपलोड कर रहे हैं नेशनल रिपोजिटरी में और वो डायरेक्टली इन डिवाइसेस के साथ जुड़ी हुई है सुगम्य पुस्तकालय किताबों को सीधा उनसे डाउनलोड करके और पढ़ना शुरू किया जा सकता है। दिस बिकम्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू मनोज सर, मुझे बड़ी खुशी है कि और हमारे पार्टिसिपेंट्स ने और हमने आज आपको सुना और ये आज का जो सेशन था बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। मुझे उम्मीद है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स इससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे बीच में हैं दूसरे स्पीकर श्री प्रशांत रंजन वर्मा जी। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस श्री प्रशांत वर्मा जी। वर्मा जी एनएबी दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी हैं। एनएबी एक ऐसी संस्था है जो दृष्टिबाधित लो विजन और बहुविकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में कार्यरत है। आप डेली कंसोर्शियम ऑफ इंडिया को एज कंसल्टेंट अपना योगदान दे रहे हैं। आपकी जो मुख्य भूमिकाएं हैं डेली कंसोर्शियम में कि डिजिटल टॉकिंग बुक प्रोडक्शन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं और विश्व भर में इंक्लूसिव पब्लिकेशन निकालने में लाइब्रेरीज और पब्लिशर्स को सपोर्ट करने में अपना योगदान देते हैं। डीएफआई को अपना टेक्निकल सपोर्ट तथा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अपना योगदान आप प्रदान करते हैं। आपने लगभग 25 देशों में 2003 से अब तक इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी में फेस टू फेस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आपने एक्सेसिबल बुक प्रोडक्शन तथा रीडिंग में उपयोग में आने वाले जो टूल्स होते हैं उपकरण होते हैं उन पर विभिन्न प्रकार के मैनुअल्स ट्यूटोरियल्स और वीडियोस तैयार किए हैं। मेरे को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपने एज एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट के रूप में विभिन्न कंपनियों को और ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी जो है सेवाएं दी हैं और ये जो कंपनियां हैं मैं जरूर अपने पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी कि जिन कंपनियों को और ऑर्गेनाइजेशंस को आपने अपनी सेवाएं दी हैं वो है UNDP, यूनिसेफ, RNIB UK, यूनेस्को, माइक्रोसॉफ्ट तथा डॉल्फिन कंप्यूटर्स। आपको 2011 में यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड, 2007 में नेशनल अवार्ड फॉर PWD और 2018 में संस्थान की ओर से निक्विड की ओर से एक्सलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। मैं प्रशांत जी से निवेदन करूंगी कि वो कृपया वेबिनार को आगे बढ़ाए। प्रशांत जी धन्यवाद, धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। तो इस टॉपिक पे दीपेंद्र मल्होत्रा जी काफी कुछ कह चुके हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और बातें आपके सामने रखूं, खास करके जो डायरेक्टर साहब कुछ इंडिकेशन हमें देके गए हैं उस डायरेक्शन में भी कुछ थोड़ी सी और बात करूं। तो सबसे पहली बात कि डिजिटल सिस्टम्स और
देश का या समाज का डिजिटल सिस्टम्स की तरफ आगे बढ़ना आमतौर से विजुअल इम्पेयर्ड के लिए एक अच्छी बात है। कोई भी जानकारी, कोई भी ज्ञान अगर डिजिटल फॉर्मेट में है तो उसको आसानी से टॉकिंग फॉर्मेट में यानी कि ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है या लार्ज प्रिंट में कन्वर्ट किया जा सकता है और प्रोवाइड किया जा सकता है। तो किसी भी जानकारी का जो एनालॉग सिस्टम में रहना, जैसे कि प्रिंट प्रिंट की किताबें हैं, उनको तो एक्सेसिबल बनाना का एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी वेबसाइट पे है, किसी कंप्यूटर पे है, तो उसको आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। और साथ ही साथ डिजिटल सिस्टम्स अलग अलग टेक्नोलॉजीज की वजह से इंडिपेंडेंटली भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप ऐसे बहुत सारे लोग, आप लोग ऑलरेडी कंप्यूटर और स्मार्टफोन वगैरह चलाते हैं, तो आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी का एडवांटेज आपको खुद पता ही है। डिजिटल और एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज दिखती है आने वाले समय में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। तो अब नए नए मोबाइल ऐप्स और दूसरे सर्विसेज वगैरह बनाए जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा उठाकर, इमेज रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी, इन सब जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं इनका इस्तेमाल करके कई सारी ऐसी जो डे टू डे प्रॉब्लम्स विजुअल इम्पैक्ट के सामने आती हैं उनके भी सॉल्यूशन निकाले जा रहे हैं। और इस डायरेक्शन में और ऐसा हमें लगता है कि और बहुत काम होगा और जो सॉल्यूशंस हैं वो और भी ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी आप में से कई लोगों को पता ही है कि प्रिंट मटेरियल को पढ़ना अब विजुअल इम्पैक्ट के लिए एक बहुत ही आसान बात हो गई है। अब स्कैनर्स और OCR सॉफ्टवेयर्स, ये सब सारा सेटअप की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मोबाइल ऐप्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं जिनके जरिए मोबाइल से फोटो लेकर प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है। और कई सारे ऐप्स तो टोटली ब्लाइंड पर्सन को उस प्रिंट मटेरियल का अच्छा फोटो लेने में भी मदद करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। अगर टाइम में विजुअल इम्पेयर्ड अगर अकेले रह रहे हों, कोई साइटेड असिस्टेंस ना भी हो, वो भी कई 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 तरह के काम वो खुद ही कर सकते हैं। अगर आपके पास दो पैकेट पड़े हैं और आपको जानना है कि कौन सा क्या है, आपने मार्केट से कुछ मंगवाया है, तो ऐसे मोबाइल ऐप्स वगैरह हैं जिनके जरिए आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा क्या है, उस पे जो कुछ भी लिखा है वो पढ़कर आप सुन सकते हैं अपने टेक्नोलॉजी की मदद से। टेक्नोलॉजी अब विजुअली इम्पेयर्ड को ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और यहाँ तक कि पीपल डिटेक्शन, पीपल रिकॉग्निशन में भी मदद कर रही है। और इस डायरेक्शन में काफ़ी और संभावनाएँ हैं कि जैसे ये भी संभावना है कि जल्दी ही आपके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी हो कि आपके सामने हमारे अभी ये बहुत ही जल्दी लगता है भाई कि ये सॉल्यूशन और भी इजीली मिलेगा। ऑल दो ये सॉल्यूशन अभी भी अवेलेबल है कि कुछ वियरेबल कैमरास वगैरह बन रहे हैं, जो छोटे छोटे कैमरा, छोटे डिवाइस जो आप अपनी बॉडी पे साथ पहन लें, जैसे चश्मे में लगा लें या उसको कोई और अपने बेल्ट या कहीं और फिट कर लें और फिर वो आपको जो कुछ आपके सामने है वो बताए, जिससे कि आपको मोबिलिटी में भी मदद मिले। अगर आप चल रहे हो तो सामने अगर कोई ऑब्स्टेकल हो तो वो डिटेक्ट कर सकता है, कोई बस आई हो तो उसका नंबर पढ़ सकता है, कोई साइनेज है, कोई बिल्डिंग का नाम है तो वो पढ़ सकता है, कुछ लोग सामने आ गए तो कौन कौन आया या कितने लोग आए, ये सब चीज़ें अब जैसे कि एक अब सपना नहीं रहा या एक मैजिक नहीं रहा, अब ये बिल्कुल तो जैसे कि एक डिवाइस इस तरह का ऑरकैम नाम का ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑल्दो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत महंगा है इस वक्त, लेकिन हाँ हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें और ज़्यादा इजीली सस्ती अवेलेबल हों। मोबाइल ऐप के रूप में तो ऐसी कई सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे कि सुपर सेंस, CAI, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये सब अवेलेबल है बिल्कुल।
और एक वेयरेबल डिवाइस के रूप में भी शायद कोई ना कोई सॉल्यूशन जल्दी ही अवेलेबल होगा। इसी तरह से एक बड़ा चैलेंज विजुअल इम्पेयर्ड के सामने रहा है मोबिलिटी एंड नेविगेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो जाते वक्त जाने का पाथ पता करना, आपको कैसे जाना है या किसी को गाइड करना तो कैसे करना है, तो ये सब चीजें भी अब हम थैंकफुली मेनस्ट्रीम ऐप्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल मैप वगैरह हम लोग भी यूज कर सकते हैं, और खुद तो डायरेक्टली नहीं सकते, दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके अलावा जो इंडोर नेविगेशन, ये मुझे कोई बार बार म्यूट कर रहे हैं, मैं आपसे ध्यान रखता हूँ जरा। तो इंडोर नेविगेशन जो अभी भी कुछ हद तक चैलेंज बना हुआ है, उसमें भी कुछ अच्छा ब्रेक थ्रू मिल रहा है। मैं इस एक जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ, उसके बारे में मैं कई बार डेमो भी करता हूँ लोगों को अलग अलग प्रोग्राम्स में, कि क्या पॉसिबिलिटीज है टेक्नोलॉजीज की। तो जैसे एक पाथ रिट्रेसिंग ऐप क्लू नाम का, CLEW क्लू नाम का, फ्री ऑफ कॉस्ट, फिलहाल केवल आईफोन पे अवेलेबल है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो या दूसरे वैसे ऐप जल्दी ही एंड्रॉयड और दूसरे जगहों पे भी आएंगे। तो ये सब ऐप टेक्नोलॉजी का इतना बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि आपको मान लीजिए आप एक बड़ी बिल्डिंग में एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं ब्लाइंड होने के नाते, तो वापस आप अपने आप उस ऐप के मदद से, उसके दिए गए डायरेक्शन के मदद से, आप वापस बिल्कुल वापस अपनी कमरे में अपनी सीट तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप सिनेमा हॉल में हैं, आप सिनेमा देख रहे हैं, बाहर आप टॉयलेट गए और वापस आना चाहते हैं, तो ऐप आपको इतना प्रिसाइज डायरेक्शन दे सकता है कि आप बिल्कुल वापस अपनी सीट पे आ जाए। आप अपने कॉलेज के गेट से अपने क्लासरूम या अपने ऑफिस में अपने कमरे से किसी दूसरे के कमरे में जाना, ये चीजें बिल्कुल मतलब काफी, इसमें काफी डेवलपमेंट हो रही है, और कम से कम एक ऐप आईफोन पे एक ऐसा है जिससे कि ये काम बिल्कुल करीब करीब नियर अबाउट परफेक्शन से भी पॉसिबल है। ये सारी नई अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ अच्छे मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं जल्दी से बात करना चाहता हूँ कि इन दिनों स्मार्ट असिस्टेंट्स या स्मार्ट स्पीकर्स का अभी काफी हद तक जमाना है। आप सब लोग बहुत बार अलेक्सा, सी, तो स्मार्ट असिस्टेंट्स और स्मार्ट स्पीकर्स मार्केट में अवेलेबल है आजकल, अमेज़न, तो मोबाइल फोन पे भी ये चीजें अवेलेबल है। थैंकफुली सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि ये चीजें बाय डिजाइन या बाय डिफॉल्ट जो भी है यूनिवर्सली डिजाइन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो इसको हर कोई यूज कर सकता है, आम लोग भी यूज कर सकते हैं, नॉन डिसेबल्ड भी और ब्लाइंड पर्सन भी, और उससे भी इनको बहुत सारी, हमें ब्लाइंड पर्सन को एज ए ब्लाइंड पर्सन काफी सुविधा मिल रही है। तो आप ये अमेज़न स्पीकर वगैरह, इसकी मदद से वेदर के बारे में जान सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी सारा इस्तेमाल, गाने वाने सुनने के लिए कर सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें जो आपको अदरवाइज मुश्किल लगती हैं, जैसे ब्लाइंड होने की वजह से कई बार आप कोई एयर कंडीशनर में टेम्परेचर नहीं सेट कर पाते होंगे अपने आप, या घर में लाइटें जली हैं नहीं जली हैं वो सब नहीं जान पाते होंगे, तो ये सब चीजें भी केवल वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इन ऐप, इन डिवाइसेस की वजह से बिल्कुल पॉसिबल हो गया है, तो कई हमारी डे टू डे चैलेंज भी सॉल्व हो रही है और एडिशनल कन्वीनियंस भी मिल रहा है। और अच्छी बात क्या है कि इनको यूज करना बड़ा आसान है, बहुत से लोगों को टच स्क्रीन डिवाइस यूज करना सीखना अभी भी चैलेंजिंग होता है, या कंप्यूटर सीखना बहुत चैलेंजिंग लगता है, टाइम लगता है, उसके कंपैरिजन में ये जो डिवाइसेस हैं, जो स्मार्ट असिस्टेंट्स हैं, वो कुछ इस तरह से है कि जैसे हमारे लिए एक वर्चुअल एक पर्सन है जो हमारी ऑर्डर सुनने के लिए लगातार तैयार खड़ा है, तो उनकी मदद से हम ये सब काम भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल असिस्टिव टेक्नोलॉजी की फील्ड में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है आजकल, ऐसा पहले कभी नहीं रहा कि इतने सारे
आप कह सकते हैं कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस विजुअल इम्पेयर लोगों के लिए कभी थी, और बिल्कुल ऐसा है कि ब्लाइंड पर्संस जो काम पहले नहीं कर पा रहे थे वो अब आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ लेकिन कई सारे चैलेंजेस भी हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है, दो बड़े चैलेंज की मैं बात करना चाहूँगा। तो एक ये है कि एक्सेसिबिलिटी यानी कि ये जो सारे जो मेन स्ट्रीम वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, बुक्स वगैरह है, ई बुक्स वगैरह, इनका एक्सेसिबिलिटी या यूनिवर्सल डिजाइन पे ना बेस्ड होना, जिसकी वजह से सारी क्षमता होते हुए भी ब्लाइंड पर्सन एडवांटेज नहीं ले सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते इन सारी डिवाइसेस टेक्नोलॉजीज का। इसके बड़े एग्जांपल्स हैं कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बैंक में ऑफिसर वगैरह हैं, बड़ी कंपनीज में अच्छे जॉब पे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, और वो कंप्यूटर वगैरह चलाना जानते हैं और कुछ हद तक एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन उस कंपनी का, उस बैंक का जो सॉफ्टवेयर पैकेज है, कई बार वो नहीं चला पाते, वो उनके स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर से असिस्टिव टेक्नोलॉजी वगैरह के साथ नहीं चल रहा है। तो इससे इससे एक आप कह सकते हैं कि एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो रहा है कि एक तरफ तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है जिनके पास सब कुछ है, और जो दूसरी साइड डिसेबल्ड पॉपुलेशन है जो खुद में कॉम्पिटेंट होने के बावजूद भी एक तरह से आइसोलेट हो रहा है। तो एक्सेसिबिलिटी इस वक्त बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे हम अभी आजकल भी कोरोना के टाइम में भी, अगर हम हमारे लिए आम तौर से घर पे रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड कि जो सारे हम शॉपिंग कर पाए, ऑनलाइन बैंकिंग कर पाए, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐप्स वगैरह एक्सेसिबल नहीं है। तो इससे एक फर्दर एक नए तरह का आप समझ लीजिए कि डिस्क्रिमिनेशन और एक आइसोलेशन क्रिएट हो रहा है। तो एक्सेसिबिलिटी के बारे में जागरूकता पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंकफुली क्या करना है ये सब तय है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, स्टैंडर्ड्स है, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट लेवल पे भी सब कुछ, सर वन सेकंड सर वन क्वेश्चन, सब कुछ क्लियर है। हाँ जी सर, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन होते हैं, अगर उन्हें हम सर मॉडिफाई करते हैं, बिकॉज सर लेआउट, ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन कुछ हद तक समझ रहा हूँ, मैं आपको बाद में आंसर करूंगा जरूर। तो एक्सेसिबिलिटी के केस में मैं कह रहा था कि क्या करना है ये सब क्लियर है, जरूरत है कि बस इम्प्लीमेंटेशन की, जो डेवलपर्स हैं मेनली और जो अथॉरिटीज हैं उनको इसके बारे में सेंसिटाइज करना है, उनको अवेयर करना है, और अब हमारे नए RPD एक्ट में कुछ हद तक हम उसको इम्पोज भी कर सकते हैं, कई बार हम उसको क्लेम भी कर सकते हैं, चैलेंज भी कर सकते हैं, अगर जो सर्विसेज है या प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सेसिबल ना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। तो उस वो भी रूट कई बार शायद आगे लेने की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये कि हमारा जो हमारे डिसेबल कम्युनिटी में जो मेजोरिटी है उनके पास इस वक्त असिस्टिव डिवाइसेस नहीं है, उनके पास उसको अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं है, और अगर वो भी है तो कई बार ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग के लिए कोई सेंटर नहीं है या उनके पास कोई सोर्स नहीं है। तो इन द इंटरिम दोनों जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं उसके साथ साथ जो ऑफलाइन मीडियम्स वगैरह एजुकेशन के, एग्जामिनेशन के, एप्लीकेशन के जो सब चल रहे थे उसको अभी और चलाने की जरूरत है। उसको सीधा सीधा ऐसा नहीं कर सकते कि सब चीज़ें बंद कर दें और सीधा ऑनलाइन सिस्टम ही ऑप्शन रखें, ऑफलाइन तरीके फिलहाल चलाने ही चाहिए, लेकिन ये मानना चाहिए कि सॉल्यूशन विजुअल इम्पेयर्ड को डिजिटल लिटरेट बनाने में ही है, और उस तरफ ही फोकस होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस का, एजेंसीज का, कि अगर डिवाइसेस नहीं है तो डिवाइसेस दिलाई जाए, ट्रेनिंग नहीं है तो ट्रेनिंग दिलाई जाए, क्योंकि उससे हमने देखा है कि बहुत ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, बल्कि लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है, कायापलट हो सकता है डिसेबल्ड पर्संस के जो के एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स में, उनके एजुकेशन
लेवल में, तो उसी तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है दरअसल। और अब इतना मुश्किल भी नहीं है, गवर्नमेंटल स्कीम्स हैं और जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की स्कीम्स होती है उसमें एक स्मार्टफोन दिलाना या उस तरह के डिवाइसेस जो अभी दीपेंद्र सर ने आपको दिखाए, ये सब एक एक डिवाइस एक एक डिसेबल को देना। तो मैं बस ये कंक्लूड कर रहा था कि जो जो चैलेंजेस जो है वो दो मुझे लगते हैं कि एक तो एक्सेसिबिलिटी है, उसमें कुछ लोगों ने पूछा था जैसे जो क्वेश्चन का ट्राई करता हूँ साथ में आंसर भी कर दूं कि किसी भी वेबसाइट या मोबाइल ऐप या किसी और डिजिटल प्रोडक्ट को एक्सेसिबल बनाने के लिए उसके डिज़ाइन में चेंज की कोई ज़रूरत नहीं होती, उसके जो विजुअल लेआउट है जो लुक्स हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके उसकी कोडिंग में उसका जो पीछे जो प्रोग्रामिंग है उसमें बदलाव की ज़रूरत होती है और वो कर देने से दरअसल वो मोबाइल ऐप या वो वेबसाइट वगैरह उसकी एक्चुअल यूजेबिलिटी सबके लिए बढ़ती है। ये कई बार एस्टैब्लिश हुई है कि कोई चीज़ अगर एक्सेसिबल है तो दरअसल वो और भी ज़्यादा अच्छी यूजेबल होती है, उसकी क्वालिटी और बढ़ती है और उसका यूजेस आम पब्लिक के द्वारा भी और भी बेहतर होता है। तो एक बात तो ये क्लियर है कि उसमें कोई 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 रुकावट नहीं है एक्सेसिबल बनाने में। एक्सेसिबल कोई कोई चीज़ पहले बना दी गई उसको बाद में बनाना एक्सेसिबल ज़रूर महंगा पड़ता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन कोई चीज़ अगर बनाई जा रही है और उसी वक्त एक्सेसिबिलिटी के गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाए तब तो ये काम काफ़ी आसान होता है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं होता और कोई एक्स्ट्रा कोई खास टाइम भी नहीं लगता। और इनफैक्ट जो आप सर वन क्वेश्चन सर अच्छी चीज़ बन रही है आपकी। और जो दूसरी दूसरी बात है कि जैसे इन दिनों हम देख रहे हैं कि क्लासेस ऑनलाइन कराई जा रही हैं स्कूल्स के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम भी कराए जा रहे हैं, विजुअल इम्पेयर बहुत सारे लोग कर पा रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, अपनी गलती नहीं है उनकी, जो भी दोनों ही वजह से कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है या ट्रेनिंग नहीं है, कभी कभार एक्सेसिबिलिटी की भी वजह। तो मैं ये कह रहा था कि इंटरिम में तो दूसरे दूसरे तरीके भी चलाने पड़ेंगे, लेकिन आगे चल के मुझे लगता है कि चाहे ना चाहे सोसाइटी पूरी कंट्री पूरी डिजिटल होगी, हो ही जाएगी, और आम तौर से वो सबके लिए अच्छा है, डिसेबल के लिए भी अच्छा है, बस डिसेबल लोगों को भी सारी सुविधा डिसेबल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाए। ऑलराइट, तो थैंक यू, मैं अपनी बात यहीं तक रखता हूं, आगे क्वेश्चंस के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों स्पीकर्स दीपेंद्र मनोचा जी और प्रशांत जी, इनका योगदान आईटी के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए हमें सबको अच्छी तरह से विदित है, और दोनों ने दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यहाँ जहाँ से दीपेंद्र मनोचा जी ने छोड़ा वहीं से करीब करीब उसके आगे प्रशांत जी ने कंटिन्यू किया। दोनों स्पीकर्स का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज मुझे याद आ रही है कि दोनों स्पीकर्स को NIVH की तरफ से एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। दोनों की व्यस्तता के कारण ये थोड़ा देर से हो पाया, 18 में दीपेंद्र जी को और 19 में प्रशांत जी को, और 19 में दीपेंद्र जी को हमने सम्मानित किया था। अब मैं इनवाइट करूंगा, हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है, मैं स्पीकर्स को फॉरवर्ड कर दूं। हमारे पास रिक्वेस्ट साउथ से आ रही है कि अगर कुछ कुछ बीच में इंग्लिश में भी बोल दें तो अच्छा रहेगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट माय स्पीकर्स टू प्लीज इनकॉर्पोरेट सम वर्ड्स ऑफ इंग्लिश इन इंग्लिश ऑल्सो सो दैट दे ऑल्सो आर एबल टू पार्टिसिपेट। थैंक यू वेरी मच। अगले हमारे पार्टिसिपेंट हैं, रिसोर्स पर्सन है श्री नीरज शर्मा जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शॉप 4 स्पेशल्स प्राइवेट लिमिटेड के, और ये ह्यूमन वेयर को ह्यूमन वेयर कनाडा और ह्यूमन वेयर ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो जो असिस्टिव डिवाइसेज या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो जो चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं इंडिया में, कराई जानी है, उन सब के बारे में हमें थोड़ी जानकारी देंगे। तो आइए नीरज जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्लेटफॉर्म पर मेरे को इनवाइट करने के लिए। हम हिंदुस्तान में ह्यूमन वेयर रिप्रेजेंट करते हैं तकरीबन 2.5 ईयर से। हमने कई कई जगह एग्जीबिशंस भी करी हैं
वुमन वेयर बेसिकली 25 इयर्स से असिस्टिव टेक्नोलॉजी ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोडक्ट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारे दो सेगमेंट है, ब्लाइंडनेस प्रोडक्ट्स एंड लो विजन प्रोडक्ट्स। तो आज मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन से कुछ लो विजन, क्योंकि हम पे टाइम की कमी है, शायद 4:30 हो जाए ऑलरेडी, तो मैं कुछ लो विजन डिवाइसेस के बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। उसके बाद इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको अपना मेल दे दूंगा, उससे आपको मैं सारी डिटेल भेज दूंगा। ये बेसिकली हमारे कुछ लो विजन मैग्नीफायर्स हैं, जो बेसिक रेंज हमारी स्टार्ट होती है 5 इंची मैग्नीफायर से। ये हमारा 5 इंची मैग्नीफायर है, जिसमें आप हैंडहेल्ड और डेस्कटॉप व्यू दोनों कर सकते हैं। ऐसे कुछ लेआउट बताता हूँ, इसमें बेसिकली 5 इंची LCD स्क्रीन होती है, 22x से लेकर 22x तक मैग्निफिकेशन होता है इसके अंदर। तकरीबन 18 कलर ब्राइटनेस मोड होते हैं, जिसमें आप बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, जिससे जो आपकी आंखों को सुटेबल हो। 3 आवर्स इसकी बैटरी टाइम होता है, और इसमें टीवी आउटपुट होता है, जो आप अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, बड़ी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर सकते हैं। 1000 इमेज गैलरी होती है, जिसमें आप 1000 इमेजेस सेव कर सकते हैं। सेकेंड हमारा मैग्नीफायर है एक्सप्लोरर 8, ये हैंडहेल्ड इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफायर है विद डिस्टेंस व्यू। ये टच स्क्रीन मोड के अंदर है, जिसमें आप की 30x तक मैग्निफिकेशन होती है। थैंक यू। आप इसकी स्नैपशॉट देखते होंगे मैग्नीफायर के, मैग्नीफायर की मैं इसका भी फिजिकल डेमोंस्ट्रेशन भी दिखा दूंगा आपको, जिसमें आप की अप्रोक्सीमेटली 21 ब्राइटनेस शेड्स होते हैं, जिसमें बैकग्राउंड और इमेजेस चेंज कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर। इसमें अप्रोक्सीमेटली 30x तक मैग्निफिकेशन होती है, फुल्ली कस्टमाइजेबल होता है, टच स्क्रीन नेविगेशन। ये मतलब लेटेस्ट मैग्नीफायर है, जो अभी लास्ट ईयर ह्यूमन वेयर ने डिजाइन किया है, रिवील 16i। और घर पे रीडिंग की प्रॉब्लम होती है, क्लास में रीडिंग प्रॉब्लम होती है, इसके लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इसमें एलेक्स प्लेटफॉर्म पे है पूरा ये, इसमें OCR भी होता है, आप गूगल डॉक्स भी देख सकते हैं, ड्राइव भी सकते हैं, इंटरनेट भी चला सकते हैं, जीमेल वगैरह। OCR और TTS इंक्लूड है इसके अंदर, आप कोई भी डॉक्यूमेंट नीचे रख के उसे OCR करके सुन सकते हैं। इसकी नेविगेशन है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं इसके रेगुलरली, इंटरनेट ब्लूटूथ इसमें इनबिल्ट है, USB HDMI पोर्ट और हेडफोन जैक इसके अंदर इनबिल्ट है, 16 इंची टच स्क्रीन है इसका, 45x तक मैग्निफिकेशन होती है इसमें, और अप्रोक्सीमेटली 4.5 आवर बैटरी बैकअप होता है। इसके कुछ इमेजेस मैं आपको व्यू कर रहा हूँ, ये आप ये देखिए, एक बच्चा अपना मैग्नीफायर के सामने बैठा है, इसका लेआउट इस तरह का, नीचे XY टेबल होती है, जिसमें आप बुक्स वगैरह रख के स्लाइड कर सकते हैं, फोल्डिंग है, ये ऐसे फोल्ड हो जाता है, और पीछे की साइड इसमें डिस्टेंस कैमरा है, जो ब्लैक बोर्ड वगैरह को देखने में काम में आता है। मैं इसकी प्रेजेंटेशन आपको अपना मेल आईडी दे दूंगा, जिसको भी इंटरेस्ट हो मैं मेल पे शेयर कर दूंगा पूरी प्रेजेंटेशन और इसका वीडियो डेमोंस्ट्रेशन कंप्लीट। ये हमारा मैग्नीफायर है रोगी कनेक्ट 12 विद डिस्टेंस व्यू। ये बेसिकली डिजाइन किया गया है फोल्डेबल के हिसाब से, जो बच्चे अपने संग कैरी करना चाहते हैं क्लासरूम में, कॉलेज के अंदर। ये मैग्नीफायर हमने इंडिया में काफी स्टूडेंट्स को दिए हैं लास्ट ईयर के अंदर, बहुत लोगों ने परचेज किया है। इसमें ये टैबलेट पीसी है, 10 इंची मैग्नीफायर है, सारे टैबलेट फीचर है, OCR फीचर और TTS फीचर इसमें इनबिल्ट है, मैग्निफिकेशन 40x तक मैग्निफिकेशन होती है, 25x तक इसमें डिस्टेंस मैग्निफिकेशन है, तो ब्लैक बोर्ड हो गया या क्लासरूम हो गया, बाहर का कोई भी आपको दूर की चीज देखनी है उसके मैग्निफिकेशन के लिए है। कीबोर्ड इसमें कनेक्ट हो जाता है, आप अपने लैपटॉप वगैरह पे जो काम करते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बना सकते हैं इसके अंदर, इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ सब इनबिल्ट है। ये बाइक वेट है 12 इंची है, 40x तक मैग्निफिकेशन है इसमें। इसमें 3 मोड होते हैं, इसमें OCR मोड होता है, लाइव मोड होता है, और डायमंड एज टेक्स्ट क्वालिटी होती है इसकी। इसमें टेक्स्ट आपको बिल्कुल भी ब्लर नहीं, मैग्नीफाई करेंगे टेक्स्ट 1% भी ब्लर नहीं होगा आपका। इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, जिससे आप वाईफाई कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह गूगल ड्राइव वगैरह पे शेयर कर सकते हो,
साइंटिफिक टॉकिंग कैलकुलेटर इसके अंदर इनबिल्ट होता है, और आप टॉक बैक में जाके ब्लाइंड लोग भी इसे यूज कर सकते हैं, टॉक बैक फीचर इसमें इनबिल्ट होता है इसके अंदर। बाकी मैं आपको इसके सारे प्रेजेंटेशन और वीडियो शेयर कर दूंगा आपको, जिस जिसको भी इंटरेस्ट हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके काफी वीडियो लंबे हैं जो मैं यहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर सकता। मैडम मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ, मैं अपना चैट बॉक्स में ईमेल आईडी डाल देता हूँ आपको। थैंक यू नीरज जी। हाँ जी, हमारे अगले स्पीकर हैं अभिषेक वघेल। श्री अभिषेक वघेल ट्रेस्टल लैब के फाउंडर तथा डायरेक्टर हैं। ट्रेस्टल लैब ने एक सॉल्यूशन तैयार किया है कीबो और कीबो एक्सेस, इनकी सहायता से लो विजन पर्सन प्रिंट, हैंड रिटन और डिजिटल कंटेंट को इजीली कर सकते हैं। आप एक इंजीनियर हैं और जो एक्सेसिबिलिटी तथा टेक्नोलॉजी द्वारा सोशल इंक्लूजन पर विश्वास रखते हैं। आप पूर्व में IIT दिल्ली तथा TCS फाउंडेशन के विभिन्न रिसर्च प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि कृपया वेबिनार को आगे बढ़ाएं, मिस्टर अभिषेक वघेल। थैंक यू, धन्यवाद मैम एक अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। अभी जो है मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो है हम कीबो एक्सेस और कीबो मोबाइल ऐप, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं आप सबको इस सेशन में वेलकम करता हूँ। कीबो एक्सेस और कीबोर्ड जो मोबाइल ऐप है उसके जरिए हमारा जो मेन पर्पस ये है कि हम रीडिंग को एक्सेसिबल बनाएं इन अ वे दैट प्रिंट, हैंड रिटन और डिजिटल जो भी कंटेंट है जैसे भी फॉर्म में मौजूद है वो रियल टाइम में पर्सन विद डिसेबिलिटीज के पास एकदम एक्सेसिबल फॉर्मेट में उनको मिले, ताकि वो उसको पढ़ पाए चाहे वो किसी भी भाषा में हो। तो जो कीबो ऐप है ये सब कुछ पॉसिबल करता है विद द हेल्प ऑफ एनी स्मार्टफोन, एनी एंड्रॉइड स्मार्टफोन। यू कैन यूज एनी एंड्रॉइड स्मार्टफोन लाइक दिस वन एंड एक्सेस एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट यू वांट टू रीड। सो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ये एंड्रॉइड फोन को यूज करके इजीली जो है कंटेंट को एक्सेसिबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कीबो ऐप खोलता हूँ। PIN unlock. Emergency button. Device unlock. Home screen. I hope जो आवाज है वो ऑडिबल होगी और मेरे स्क्रीन पे भी क्लियरली विजिबल होगा। Kibo accept. Kibo. Double tap to activate. Double tap and hold the long press. Actions available. New swipe up then right to view. So यहाँ पे जो है Kibo logo. कीबो के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि COVID-19 assist बटन, यहाँ से आप कोरोना वायरस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली रीसेंट अपडेट्स यहाँ से आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। New recent files button. यहाँ पे आप अपनी जो भी आपने फाइल रिसेंटली खोली होंगी वो आप एक्सेस कर सकते हैं। Capture and read button. Double tap to activate. Capture and read button वो बटन है जहाँ से अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आप कोई भी फोटो रीड करके No internet. Connect to internet and try again. Chrome. Headache. Links. Help. Pick care. Work. Care. Heading. Links. Notification, quick setting, on. Sorry for the glitch. Home button, home screen three. So basically, COVID-19. Kibo, capture and read button. Back button. So, जो capture and read button. Read your capture and read button. आप किसी भी document का photo ले सकते हैं, जैसे कि. No internet. Connect to internet and try again. COVID-19 is care.
Super. Until I will just brief you on what are the different features. तो जैसे कि मैं बता रहा था कि कीबो में आप कोई भी डॉक्यूमेंट को कैप्चर करके उसको रियल टाइम में रीड कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो. तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ही आप अपनी वॉइस चूज कर लेंगे जो भी आप टेक्स्ट टू स्पीच इंजन यूज कर रहे हैं. जैसे कि हिंदी के लिए आप फॉर एन एग्जाम्पल लेखा वॉइस यूज करते हैं या फिर कोई और वॉइस यूज करते हैं, और सिमिलरली अगर आप इंग्लिश के लिए गूगल वॉइस यूज करते हैं, तो आप अलग अलग वॉइसेस चूज करके अपने पसंदीदा वॉइस में कोई भी टेक्स्ट को कीबो ऐप के द्वारा पढ़ सकते हैं, चाहे वो हाथ से लिखा हो. जैसे कि ये पेपर है, तो इस पेपर पे जो भी लिखा है मैं बहुत आसानी से कैप्चर करके रीड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कीबो मोबाइल ऐप. और जो कीबो डिवाइस है ये भी कीबो, बहुत सारी अगर आपके पास कोई बुक हो या फिर कोई पेजेस हो उनको आप यहाँ पे नीचे रख के इसको स्कैन करके सुन सकते हैं. तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डेमो दूंगा कि किस तरीके से कीबो ऐप और कीबो डिवाइस हम यूज कर सकते हैं. तो मैंने ये कीबो डिवाइस अपने फोन से कनेक्ट किया है. Kibo XS, refresh. Kibo XS device attached. Am I audible? Yeah. So, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि कीबोर्ड डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है और कैप्चर बटन है. अगर इसको मैं डबल टैप करता हूँ पिक्चर वन सेव, तो ये जो मैंने पेपर यहाँ पे रखा हुआ है इस पेपर को वो रीड करेगा. Kibo XS device voice search. Home screen 3 of 3. Kibo XS logo. Kibo XS. Oh, connecting. Kibo XS. Refresh. Capture. But connecting. Refresh button. Yes, hold on. Double tap to activate. Alert extracting text. Yeah. So, abhi text extract ho raha hai. बड़ा ही सिंपल सा ऑप्शन है. या परफेक्ट. तो आई एम सॉरी जस्ट इन मोमेंट. तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले जो है जो स्कैन किया हमने ये पेपर, तो इस पेपर पे जो भी लिखा हुआ था, तो ये रीड बटन है, इसको मैं डबल टैप करता हूँ. रोजान दो और बेलारी दोनों आबाद प्रांत के गांव हैं. जुने का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं. घोड़ी बेलारी में रहता है राय साहब अमरपाल सिंह. तो इस तरीके से ये कंटेंट दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है. ऑल द कंटेंट आई कैन एक्चुअली कैप्चर हंड्रेड्स ऑफ पेजेस लाइक दिस. जैसे कि ये किताब है, चाहे ये इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो चाहे किसी और भाषा में हो, इसको मैं कैप्चर करके आई कैन कन्वर्ट इट इन टू ई टेक्स्ट फाइल. जो हम डॉक फाइल यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, वो एक एक्सेसिबल डॉक फाइल में ये कन्वर्ट हो जाएगा. और वो डॉक फाइल को आप एडिट कर सकते हैं और फिर उसको आप चाहे तो बाद में फिर से उसको पब्लिश भी किया सकता है इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. तो एक तरीके से कंटेंट एक्सेसिबिलिटी को के जो जो प्रोसेस होता है उसको बहुत आसान बनाता है कीबोर्ड डिवाइस, चाहे वो कितने भी पेजेस का किताब क्यों ना हो. तो फॉर एन एग्जाम्पल इस बुक के अगर मैं पेजेस को कन्वर्ट करता हूं, तो आई विल जस्ट शो यू हाउ आई डू दिस ऑन माय कंप्यूटर. तो अभी मैं ये जो डिवाइस है सेम डिवाइस अपने फोन से हटा के जो है एक अपने कंप्यूटर पे अटैच करके आपको स्क्रीन शेयर करता हूं. मैंने स्क्रीन शेयर किया है वहां पे जो है सामने जो है आपके कीबोर्ड डिवाइस का प्लेटफॉर्म है इस समय स्क्रीन पे. और यहाँ पे मैं अपने NVDA का वॉइस आई थिंक शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं जो कर रहा हूँ वो आई विल जस्ट इन्फॉर्म दैट. सो पैनल में देर आर बटन्स टू कैप्चर एंड रीड, जैसे कि मोबाइल ऐप में थे. तो यहाँ पे ऑल्ट सी से कैप्चर भी होता है. तो यहाँ पे मैंने हमारे वेब प्लेटफॉर्म जो है keyboard.racerlab.com उधर गया हूँ और फिर कैप्चर बटन को क्लिक करता हूँ, तो वो बोलता है पिक्चर वन सेव. सिमिलरली अगर ये किताब है और इस किताब में अगर 6-7 पेज हैं, तो
तो मैं सबसे पहले ऐसे एक पेज रखूंगा, कैप्चर बटन पे क्लिक करूंगा तो पहला पेज कैप्चर हो जाएगा, फिर दूसरा पेज खोलूंगा, फिर कैप्चर बटन पे क्लिक करूंगा, या फिर अगर मैं NVDA यूज कर रहा हूं तो बस स्पेस बार दबाऊंगा और कैप्चर हो जाएगा. सिमिलरली यू नो मैं आई कैन कंटिन्यू दिस फॉर द कंप्लीट बुक, और जैसे ही कंप्लीट बुक हो जाता है आई विल जस्ट कैप्चर वन मोर डॉक्यूमेंट. Once the complete book is done, basically I can translate it into e-text. तो ये इमेज प्रोसेस बटन जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, it gets converted into text. तो ये first page था जो कि हिंदी में था. So हिंदी में पूरा का पूरा text जो है आपको accessible format में available है. Now second page जो है, अगर मैं सिर्फ जो है लिंक वाले जो नेविगेशन होता है, पेज वन पेज टू, अगर मैं लिंक बाय लिंक जाऊंगा तो पेज टू पे चले जाऊंगा, फिर डाउन एरो प्रेस करूंगा तो पेज टू पढ़ने लग जाएगा. तो इस तरीके से हर पेज जो है एक्सेसिबल हो गया है. और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है दैट मुझे इसके लिए कोई लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं करनी पड़ी, या फिर पेज का ओरिएंटेशन डिवाइस को बताना नहीं पड़ा. तो मैं बुक चाहे सीधी रखूँ चाहे उल्टी रखूँ, डिवाइस अपने आप समझता है, ऐप अपने आप समझता है कि ये जो है पेज जो है सीधा या उल्टा है, और उसके बाद उसके हिसाब से वो कैप्चर करके ई टेक्स्ट में आपको आउटपुट देता है मल्टीपल लैंग्वेजेस में. तो अगर एक पेज में, फॉर एन एग्जांपल, इवन इफ इन अ सिंगल पेज देर आर 4-5 लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, मराठी और हिंदी, तो वो सब लैंग्वेजेस को अलग अलग वो पढ़ेगा, और उसके बाद फिर बहुत आसानी से इस कंटेंट को आप यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं. तो डाउनलोड में एज अ डॉक, डॉकएक्स, टीएक्सटी और जिप, ये आपको ऑप्शंस मिलते हैं. सिमिलरली यहाँ पे इसके बाद में अगर आपको कंटेंट को कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं. तो यहाँ से मैं भाषा चूज करूंगा, 100 भाषाओं में हम इस कंटेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं. जैसे कि अभी इस कंटेंट को मैं हिंदी में जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ. So I will just type E और English आ जाएगा और I will just translate it. तो आपने देखा इतनी स्पीड से इसने चारों पेज ट्रांसलेट कर दिए हैं, एक सेकेंड भी नहीं लगाया चारों पेज जो है ट्रांसलेट हो गए हैं. और ये जो कंटेंट है ये आप अब हिंदी वाला जो सेम कंटेंट था इंग्लिश में देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और आप अपने ब्रेल डिवाइस अगर आपके कनेक्टेड है तो वो उसको पढ़ भी पाएंगे. तो नाउ दिस कंटेंट इज एक्सेसिबल फ्रॉम आईज, ears and fingers. So अब बड़ा ही सिंपल है, अगर आपके पास ब्रेल डिवाइस है तो आप ब्रेल में इसको पढ़ सकते हैं, ब्रेल प्रिंटर है तो ब्रेल में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर आपके पास एक डेजी प्लेयर है तो इसको आप एज अ टेक्स्ट फाइल डाल के डेजी प्लेयर में भी सुन सकते हैं, स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में भी पढ़ सकते हैं. तो ये बेसिकली हर तरीके से कंटेंट को एक्सेसिबल बना देता है, चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे वो हैंड रिटन कंटेंट हो. तो दिस इज वट द की थिंग अबाउट कीबो डिवाइस एंड कीबो ऐप इज. सिमिलरली जो कीबो ऐप के अंदर हमने और काफी सारे फीचर्स दिए हैं, तो अभी मैं कीबो डिवाइस से कीबो ऐप पे आता हूँ और कीबो ऐप के कुछ और फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ. होम बटन, होम स्क्रीन, कीबो. तो यहाँ पे कीबो ऐप में यूज कर रहा हूँ. डबल टैप एंड होल्ड द लॉन्ग प्रेस, एक्शंस अवेलेबल, प्लीज स्वाइप अप देन राइट टू व्यू. सो यहाँ पे मैं कीबो ऐप यूज कर रहा हूँ. इन शॉर्ट्स, ग्रीन कार्ड वेट लिस्ट फॉर इंडियंस इज कीबो. तो ये सारे फीचर्स है इसमें. ये ऐप आप जस्ट प्ले स्टोर पे KIBO टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा. सबसे पहला आप जाएगा, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं. उसके बाद जो है यहाँ पे बटन से कैप्चर एंड रीड, डबल टैप टू एक्टिवेट रीड योर डॉक्यूमेंट्स बटन. रीड योर डॉक्यूमेंट्स, तो कैप्चर एंड रीड मैंने आपको करके ऑलरेडी दिखा दिया है. रीड योर डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास कोई PDF फाइल है, PDF 1 of 5 इन लिस्ट 5 आइटम्स. मान लीजिए आपको किसी ने PDF भेजा है और वो आपको रीड करना है, और वो PDF एक स्कैंड PDF है, मतलब कि उसके अंदर टेक्स्ट तो है पर वो मतलब इमेज की तरह मौजूद है, उसको आप बेसिकली पढ़ नहीं पाएंगे डायरेक्टली. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप यहां से कोई भी PDF फाइल चूज कर सकते हैं. और ये डबल टैप टू एडिट टेक्स्ट, डबल टैप एंड होल्ड OCR, डबल टैप टू एक्टिवेट बुकमार्क,
change left bookmark OCR OCR double tap अगर मैं double tap करता हूँ alert processing processing page one PDF reader back button ये same double content tap to activate जो है ये एक accessible हो गया है अब PDF reader और play button play button double tap press करूँगा page one of 26 the 16th of April 2020 current affairs किस देश में चीन से भारत फ्रांस व जर्मनी भेजे जा रहे मेडिकल किट व मास्क की खेप को अपने यहाँ मंगवा डाइवर्ट लिया सुन सो अगर आप एक टीचर हैं या फिर आप एक पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों के लिए भी यहाँ से कंटेंट को एक्सेसिबल बना सकते हैं और फिर उनको जो है रिकॉर्डिंग की बजाय वो फाइल्स दे सकते हैं और उन फाइल्स को बच्चे रीड करके कंटेंट को एक्सेस बहुत आसानी से कर सकते हैं या फिर अगर मान लीजिए किसी ने व्हाट्सएप पे आपको जो है कोई अपना डॉक्यूमेंट भेजा है आप डायरेक्टली व्हाट्सएप में ओपन विद कीबो करेंगे तो कीबो के थ्रू आप कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे सेव यस बटन यहां पे वो सेव करने के लिए पूछ रहा है आउटपुट तो मैं सेव को नो कर देता हूं नो बटन पीडीएफ गो टू पेज से मेन मेनू में चले जाता हूं बैक बटन के साथ बैक बटन डबल टैप टू एक्टिवेट कीबो रीड योर ऑडियो बुक्स बटन तो यहाँ से जो भी आपके MP3 files होती हैं, जो भी audio files होती हैं, यहाँ से उनको भी access कर सकते हैं आप. Open ebook library button. Next option is ebook library. Back button out of list. तो ebook library में open ebook library button. Daisy Phone of India ने जो है काफी effort डाल के बहुत सारी लाखों किताबें जो है available कराई हैं, तो वो किताबें और बुकशेल्फ की किताबें माय बुकशेल्फ यहीं से मेन्यू हाँ माय बुकशेल्फ सुगमाया पुस्तकालया व्हाट्सएप चेकिंग फॉर न्यू मैसेजेस तो अगर आपके पास डबल टैप एक्टिवेट सुगम्य पुस्तकालय का अकाउंट है तो आप यहां से सारी की सारी सुगम पुस्तकालय की बुक आसानी से डाउनलोड करके इसी ऐप में पढ़ सकते हैं बुक शेयर दूसरा ऑप्शन है बुक शेयर बुक शेयर्स में भी जो भी कंटेंट रहेगा आप यहां पे बड़ी आसानी से उसको भी पढ़ सकते हैं Back button. Kibo. Open ebook library. Recently हमने एक बहुत अच्छा फीचर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है वो है नोट टेकर नोट टेकर button. तो नोट टेकर में क्या होता है कि नोट टेकिंग एक्सेसिबल हो जाती है जैसे कि आपको कोई भी मतलब मान लीजिए किसी भी चीज के बारे में नोट लेना है तो आप अपने कीबोर्ड का या फिर वॉइस टाइपिंग का इस्तेमाल करके आसानी से वहां पे नोट्स बना सकते हैं तो ये बहुत ही डिमांडेड फीचर था हमारे जो है प्ले स्टोर पे काफी लोगों ने हमें इस बारे में कमेंट किया था तो हमने ये फीचर इसमें ऐड किया है और रीड फ्रॉम इमेज बटन अगला फीचर है डबल टैप टू एक्टिवेट सेलेक्ट इमेज मतलब मेरे फोन में कुछ भी कोई भी टाइप का इमेज हो सकता है मैं फोटोज को क्लिक करूंगा और वहां पे जो भी इमेज होगी आई कैन एक्चुअली एक्सेस इट सो ये भी एक बहुत ही यूजफुल फीचर है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ साथ कीबो के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि कंटेंट जब एक्सेसिबल हो जाता है वंस द कंटेंट इज एक्सेसिबल यू कैन एक्चुअली रीड इट वेरी इजीली उसमें जैसे फीचर है जैसे ऑडियो हाइलाइटिंग फीचर है ऑडियो हाइलाइटिंग में क्या होता है कि जो भी आपके पास ऑडियो अवेलेबल है जो भी टेक्स्ट अवेलेबल है उसमें से आप ऑडियो निकाल के जो है आप उसमें सुन सकते हैं उसको सेव कर सकते हैं अलग से तो वो एक तरीके से ऑडियो नोट्स आउट ऑफ टेक्स्ट बन जाते हैं सिमिलरली दूसरा फीचर है अगर आप ईबुक और पीडीएफ बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बड़ी आसानी से नेविगेट कर सकते हैं डेजी फाइल्स में भी टेबल ऑफ कंटेंट्स बड़ी आसानी से नेविगेट कर सकते हैं और पीडीएफ में पेज बाय पेज नेविगेशन सर्च ऑप्शन तो जो बेसिक नीड्स होती हैं इवन आफ्टर मेकिंग द कंटेंट एक्सेसिबल तो वो सारी बेसिकली कीबो आपके सिंगल प्लेटफॉर्म के द्वारा अवेलेबल हो जाती है सो मैं कंक्लूड करता हूं हमने यहां पे दो सॉल्यूशंस के बारे में बताया एक कीबो मोबाइल ऐप जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है आप प्ले स्टोर पे KIBO टाइप करेंगे तो वहां पे आपको जो है कीबो ऐप मिल जाएगा होम बटन दूसरा है कीबोर्ड डिवाइस डबल टैप एंड होल्ड द लॉन्ग प्रेस एक्शंस अवेलेबल यू स्वाइप अप देन राइट टू व्यू
दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड डिवाइस कैरेक्टर्स, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। टॉप बैक ऑफ, तो कीबोर्ड डिवाइस जो है आई थिंक सब लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस है, पोर्टेबल है। यहाँ से जो है बेसिकली ये ऐसे, अगर मैं बटन को क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाता है और यहाँ पे मैं कोई भी कंटेंट को प्लेस कर सकता हूँ। तो A4 साइज का कंटेंट यहाँ पे एक बार मैं स्कैन कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और जो है इसको मैं यहाँ से फोल्ड करके और इस बेस को डिवाइस से अलग कर सकता हूँ फ्रॉम द बॉटम। तो ये जो है मैं आपको एक सेकेंड करके दिखाता हूँ। सो ये एक बॉटल शेप का बन जाता है और इसको बेसिकली आप जो है अपने बैग में बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में जो है कुछ और एक्सेसरीज मिलती हैं, जैसे कि ये एक USB केबल है, एक OTG केबल है और एक सॉफ्ट मैट। तो ये सारे चीज़ें जो है इस पैकेज में अवेलेबल हैं। सो आप जो है हमें रीच आउट कर सकते हैं कीबो ऐप इंस्टॉल करने के बाद, हेल्प सेक्शन में हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं। तो इफ समबडी इज नॉट कम्फर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी, देन वी ऑल्सो हैव एन ऑप्शन फॉर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड टॉक इन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस डायरेक्टली फ्रॉम आर कीबो ऐप। सेकेंडली मैं आपके साथ कुछ एक ईमेल आईडी शेयर कर देता हूँ, चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ। सो द ईमेल आईडी इज info@prestlelabs.com। ठीक है, तो आप यहाँ से हमको बड़ी आसानी से रीच आउट कर सकते हैं। और थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस टाइम। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स अभी तक रहे हैं उन सब ने आपको डेमोन्स्ट्रेट भी किया है और प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें करके दिखाई हैं। अभी आपको कीबो ऐप और डिवाइस पर अभिषेक जी आपसे बात कर रहे थे। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं, लेकिन हमारे पास अभी एक अंतिम स्पीकर हैं। पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगा उन्हें। हमारे साथ है राजेंद्र नेगी जी। इंटरनली जो भी हमें IT संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं मैं इमीडिएटली इनको ही कांटेक्ट करता हूँ। अभी कल भी मुझे कुछ एक प्रश्न पूछना था तो मैंने राजेंद्र जी को संपर्क किया। 2006 से लेकर 2009 तक राजेंद्र जी NAB दिल्ली में रहे हैं, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड आरकेपुरम, और 2009 से 2012 तक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहल से बना था काफी वर्ष पहले, जिसमें राजेंद्र नेगी जी ने अपना योगदान दिया है और एक्टिवली उस वहाँ इन्वॉल्व रहे हैं। 2012 से लेकर अब तक हमने इन्हें कैप्चर कर लिया है, तो अब ये हमारे पास हैं। तो राजेंद्र जी को मैं इनवाइट करूँगा। राजेंद्र जी आप अपने विचार और अपने एक्सपर्टीज इस फील्ड में अपने दें, और इसके आप इमीडिएटली बाद हम क्वेश्चंस कुछ ले पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लक्ष्मी जी हैंडल करेंगी क्वेश्चंस, वो कंसर्न स्पीकर को हम जिनसे क्वेश्चन पूछे गए उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आंसर करें बाद में। तो पहले राजेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आज जो वेबिनार हुआ जिसमें टेक्नोलॉजी को लेकर काफी चीज आपको देखने को मिल गया है, तो इसमें ICT का तो एक महत्व है ही है, जिसके कारण काफी हम वेबिनार भी कर पा रहे हैं, ये भी एक ट्रू है। लेकिन साथ ही साथ हम कई बार प्रश्न उठाते हैं या प्रश्न उठता है कि ब्रेल का आज के युग में क्या महत्व है, कितना महत्व है, और इसमें प्रश्न होता है और फिर अंत में कंक्लूजन भी वही हो जाता है कि वही दोनों का मिक्सअप यूज करना चाहिए। तो ICT में किस प्रकार से अगर इंक्लूजन होगा या हो सकता है, उसके बारे में मैं फोकस करूंगा। बहुत लोग जानते भी होंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि ब्रेल और ICT दोनों पैरेलल ट्रैक में चल रहा है। ब्रेल का पहले भी महत्व था, अभी भी है और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है, लिमिटेशंस बोल सकता हूं मैं उसे, प्रॉब्लम भी नहीं। उसमें यह है कि एक तो अगर कोई बुक पब्लिश करना है तो बल्कि इन साइज हो जाता है,
जैसा एक छोटा सा बुक है तो कई वॉल्यूम में वो पब्लिश करना पड़ता है ब्रेल फॉर्मेट में, और साथ ही साथ अपडेट, अगर मान लीजिए कोई भी आप चीजें आपने पब्लिश कर दी ब्रेल में और फिर इमीडिएटली थोड़ा देर बाद उसमें अपडेट हो रहा है तो वहां भी जल्दी अपडेट करना पॉसिबल नहीं होता है, अगर सिंपल आप मैनुअल ब्रेल प्रिंटिंग की बात करें तो। और साथ ही साथ जो वैरायटी ऑफ स्टडी मटेरियल है जो हमें इजीली वेबसाइट में प्रोवाइड हो जाते हैं वो सब ब्रेल में इजीली प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं, हालांकि इसके लिए भारत सरकार और बहुत सारे एनजीओज हैं काफी प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो इसमें मैं ये कहूंगा कि कई अगर हम जो ब्रेल यूजर हैं वो ब्रेल यूज करना चाहते हैं और ब्रेल का अपना महत्व भी है, जैसे हम स्पीच देते हैं तो स्पीच देने जब हम स्पीच दे रहे हैं तो कई लोग पढ़ के देते हैं, अगर हम अगर पढ़ना चाहते हैं विजुअली इंपेयर्ड अगर पढ़ के देना चाहते हैं तो लैपटॉप या डेस्कटॉप से वो सुन के देगा, पहले सुनेगा फिर उसको स्पीच आगे डिलीवर करेगा। तो पढ़ने का आनंद हम ब्रेल के माध्यम से ले सकते हैं, और इसके लिए अगर ब्रेल का आईसीटीकरण कर दिया जाए, उसको आईसीटी में उसको इंक्लूड कर दिया जाए तो फिर वो सारी समस्या जो मैंने लिमिटेशन से बताए हैं ये सब दूर हो सकता है। इसके लिए हमारे पास RBD रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले एक डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में जो लिखा हुआ टेक्स्ट है चाहे वो वेबसाइट में हो या वर्ड में हो या किसी भी और एप्लीकेशन में हो उसको इजीली डिवाइस के माध्यम से कन्वर्ट किया जा सकता है और हमें ब्रेल फॉर्मेट में पढ़ने को मिल सकता है। ये जो डिवाइसेस होते हैं अलग अलग के होते हैं और अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार कुछ डिवाइस केवल वायर से ऐड हो सकते हैं या फिर कई डिवाइसेस में ब्लूटूथ की फैसिलिटी भी होती है कि हम लैपटॉप या डेस्कटॉप से ब्लूटूथ ही हम यूज करके उस डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा आगे चलें क्योंकि ये इसके लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप डिवाइसेस या मोबाइल की जरूरत पड़ती है RBD के लिए नॉर्मली, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे चलें कि कई लोगों के माइंड में हो सकता है कि एक तो RBD खरीदो फिर उसके बाद लैपटॉप खरीदो, तो आगे थोड़ा सा और चले तो ब्रेल नोट टेकर जिसमें कि हम ब्रेल पढ़ भी सकते हैं और उसमें नोट ले भी सकते हैं, मीन्स उसी में हम उसके स्टोरेज में हम नोट सेव करके रख सकते हैं और उसको जब भी जरूरत पड़े उसे पढ़ सकते हैं, जिसे कहते हैं ब्रेल नोट टेकर, नाम से ही मालूम चल रहा है नोट टेकर। तो ये जो डिवाइस है वो स्टैंड अलोन यूज हो सकता है, उसमें किसी कंप्यूटर या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं भी ले जाइए वो छोटा सा डिवाइस होता है और आराम से आप किसी भी मीटिंग या किसी भी जगह पर या क्लासरूम में आप उसका यूज कर सकते हैं। इस क्रम में अगर हम देखें तो भारत में आजकल ऑर्बिट रीडर काफी प्रचलन में है जिसमें आप नोट टेकिंग कर सकते हैं, उसमें SD कार्ड भी होता है, USB पोर्ट भी है उसमें और ब्लूटूथ की सुविधा भी है, तो साथ ही साथ उसको हम कंप्यूटर से में जो है डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और जहां तक प्राइस की बात करें तो शायद यही सबसे अभी डिवाइस है जहां तक मुझे पता है कि सबसे लो कॉस्ट में है। इसके अलावा मैं आपको एक और डिवाइस दिखाना चाहूंगा, अभी इस समय ऑर्बिट रीडर तो मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे पास एक डिवाइस है जो एल ब्रेल के नाम से है, ये भी एक ब्रेल नोट टेकर है ना, ये भी एक ब्रेल नोट टेकर है। और एल ब्रेल की खास बात ये है, मैं आपको डिवाइस दिखा रहा हूँ जो लो विजन है या जो साइटेड पर्सन है वो देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये ब्लू कलर का एक डिवाइस है। कभी आपने फोकस 40 ब्लू नाम का कुछ RBD सुना होगा नाम, उसी को आगे डेवलप करके एल ब्रेल ELBRAILLE एल ब्रेल नाम का ये डिवाइस है। इसकी खास बात ये है कि इसमें 40 सेल्स हैं और यानी कि आप एक साथ 40 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस वो आप पढ़ सकते हैं, और इसमें सुविधा है कि आप 40 to 40 कैरेक्टर्स करके आप इसमें आगे जा सकते हैं, और भी इसमें फीचर्स है नेविगेशन के, सेंटेंस वाइज, लाइन वाइज, पैराग्राफ वाइज नेविगेशन करने का। इसमें 6 डॉट एंट्री के लिए कीज दे रखा है और 7th और 8th की जो है एंटर और बैक स्पेस के लिए है ताकि डिलीट कर सके। सेम इसकी सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि ये विंडो बेस्ड है, इसमें विंडो 10 है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, और साथ ही साथ इसमें जॉस स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर भी दिया गया है। और ये अगर आप इसको USB कीबोर्ड के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं
तो बिल्कुल जिसको लैपटॉप चलाना आता है वो उसको यूएसबी कीबोर्ड, यूएसबी से कीबोर्ड कनेक्ट करके फुल कीबोर्ड उससे लैपटॉप की तरह ही इस्तेमाल कर सकते। क्यों? क्योंकि अंदर जो इसमें जो इसके सॉफ्टवेयर है वो विंडो 10 है, तो विंडो 10 होने के कारण से आप इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो आप एक लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, इंटरनेट सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप की तरह भी यूज कर सकते हैं। और ब्रेल नोट टेकर तो ये है ही, आप कमांड भी कीबोर्ड से भी दे सकते हैं। और ये जो 6-डॉट एंट्री सिस्टम है, जो ब्रेल स्टाइल, पर्किंस स्टाइल या जिसको ब्रेलर स्टाइल है, उसमें भी आप कमांड इसमें दे सकते हैं। और इसमें आप जैसा OCR, हम विंडो में OCR यूज करते हैं, आप यहाँ इंस्टॉल करके OCR भी यूज कर सकते हैं, फेसबुक यूज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। हालांकि कई ब्रेल नोट टेकर हाई एंड उसमें है, इसका अगर लिमिटेशंस बोले भारत के संदर्भ में तो एक ही हो सकता है, अफोर्डेबिलिटी, कॉस्ट हाई है, नो डाउट। लेकिन आज हमारा मकसद यही था कि हम आपके सामने अलग अलग जो डिवाइसेस हैं वो जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीकर्स हैं उनके माध्यम से लाएं, ताकि क्योंकि हमारे विजुअल इम्पेयर्ड फील्ड में हम देखते हैं कि प्रत्येक लेवल में पर्संस वर्क कर रहे हैं, तो जिसकी जैसी अफोर्डेबिलिटी होगी और कंफर्टनेस होगा उस तरह से उसको परचेस कर सकता है, ले सकता है, जान सकता है उसके बारे में। तो इसमें मैंने आपको एक टेक्नोलॉजी और बताई थी, OCR टेक्नोलॉजी। तो उसमें जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि जितने भी ब्रेल यूजर हैं जो ब्रेल में पढ़ना चाहते हैं और ब्रेल के टच में रहना चाहते हैं, वैसे तो सबको रहना चाहिए किसी ना किसी रूप में, तो वो ब्रेल का अगर ICT करण आ जाए, ICT में आ जाए, तो convert themselves into the ICT, so they can use the ICT related devices like braille display unit or braille note taker, so that they can easily use the braille in the ICT manner. They can get the update in the easiest manner as well. वो easiest way में update भी उनको मिल सकता है, क्योंकि वो same वही website पढ़ रहे हैं जो website हम laptop से access करते हैं। और आपको पता ही है ई-टेक्स में बहुत जल्दी अपडेट हो सकता है, बल्कि इन साइज भी नहीं हो सकता है, आप पेन ड्राइव में कई बुक अपने जेब में रख सकते हैं और साथ ही साथ उसको ब्रेल डिस्प्ले के साथ इस्तेमाल कर सकते हो और ब्रेल का आनंद ले सकते हो जैसा कि आप प्रिंट में लेते हो। तो प्रिंट में जो लिमिटेशन है, जो ब्रेल में हम जो एम्बोस करते हैं उसमें जो लिमिटेशन है वो यहाँ पर हो सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि अब ये उतना इजी भी नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन करना जरूरी है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरी है, और हमें अभी बहुत जगह पर इसको प्रमोट करना भी जरूरी है कि किस प्रकार से हम ब्रेल को ICT में ढाल सके और उसका इस्तेमाल कर सके। साथ ही साथ कई लोग मैंने देखा है, मैं आज इस प्लेटफॉर्म का इसके लिए भी इस्तेमाल यूज करना चाहूंगा कि OCR टेक्नोलॉजी का जो है, OCR मीन्स ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, जैसा अभी अभी कीबो ऐप में दिखाया गया किस प्रकार से OCR का इस्तेमाल करके आप एक इमेज को ई-टेक्स में बना सकते हैं। मैं सभी टीचर्स से स्पेशली ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें विजुअली इम्पेयर टीचर्स भी हैं और साइटेड टीचर्स भी हैं, कि वो केवल इमेज खींच के, उसका फोटो खींच के आप अपने जो विजुअली इम्पेयर ट्रेनीज हैं या स्टूडेंट हैं उनको ना भेजें, क्योंकि उसमें वो रीडेबल नहीं होता है। साइटेड रीड कर सकते हैं लेकिन आप विजुअली इम्पेयर्ड उसको रीड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है, चाहे मोबाइल में हो या फिर कंप्यूटर में हो या चाहे ब्रेल डिवाइस ही क्यों ना हो, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाते। स्क्रीन रीडिंग तो नहीं कर पाएंगे लेकिन साथ ही साथ ब्रेल डिवाइस भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर वो ई-टेक्स में नहीं है। तो आप उसको या तो आप टाइप करके भेजें, सबसे अच्छा है, अगर टाइप नहीं कर, टाइप में टाइम लग रहा है तो आप उसको कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। गूगल से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, गूगल ड्राइव, आजकल तो जीमेल अकाउंट सबके पास है, गूगल ड्राइव सब यूज करते हैं, और भी कई सर्विसेस हैं, फ्री सर्विसेस हैं, उससे उसका भी इस्तेमाल करते हुए आप उसका OCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन, और उसको फिर कन्वर्ट करके जहां मिस्टेक हो गया, मान लीजिए कई बार होता है कि कन्वर्ट तो हमने कर दिया लेकिन कई जगह पर वो उसकी जो मटेरियल है वो कितना अच्छा है या नहीं है उसके बेस पर OCR टेक्नोलॉजी भी उसको आउटपुट देगा। तो उसके बेस पर आपको अगर एडिट करना पड़े तो आप एडिट करें, उसके बाद उसको ई-टेक्स के रूप में फॉरवर्ड करें। तो ई-टेक्स में अगर आप फॉरवर्ड करते हैं या ई-टेक्स में कोई भी मटेरियल बनाते हैं
तो फायदा ये है कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर भी उसका यूज कर पाएंगे, जो भी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यूजर है वो भी यूज कर पाएंगे, और साथ ही साथ ब्रेल नोट टेकर या RBD जो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले है उसके सहारे भी वो यूज हो सकता है। यहाँ तक कि वो इजिली ब्रेल में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट आउट भी निकाला जा सकता है। तो इसलिए मैं एट द एंड, क्योंकि टाइम हो चुका है, बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन टाइम की कमी है, तो एट द एंड मैं यही कहूंगा कि आप कोशिश करें कि इमेज से निकल के ई टेक्स्ट में आए, जिससे कि एक ई टेक्स्ट कई लोग उसमें यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है OCR टेक्नोलॉजी, कई बार ये विजुअली इम्पेयर्ड के साथ अटैच कर दिया जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है और ऐसा होता भी है कि OCR टेक्नोलॉजी साइटेड पर्सन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपके पास कोई प्रिंटेड मटेरियल आया, पेपर आया, अब उसमें आपको कुछ अमेंडमेंट करना है, या तो आप उसको टाइप कीजिए बैठकर, अगर 10, 12, 20 पेज का है, 50 पेज का है तो आप टाइप कीजिए, आपको टाइप करना है तो। लेकिन अगर आप स्मार्टली यूज करते हैं तो ऐसे केस में आप OCR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको स्कैन कीजिए, स्कैन करने पर वो इमेज के फॉर्म में आ जाता है, और उसके बाद उसको फिर OCR टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करके आप उसको ईटेक्स में, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, कई फ्रीवेयर OCR टेक्नोलॉजी भी है और कई पेड भी है। अभी कीबोर्ड जो आपको दिखाया गया वो भी एक है, बहुत अच्छा OCR टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन वो स्कैन करता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके बाद जैसे आप ई टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे तो आप उसमें आराम से वर्ड में ले जाकर या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ले जाकर आप एडिट कर सकते हो। तो एक चीज, एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में अगर आप कन्वर्ट कर देते हो तो सबके लिए फायदा होता है, और एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट को डेवलप करने में बहुत ही यूजफुल साबित हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी यहाँ पर विराम देता हूँ, और इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं जितने भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सबको थैंक्स देता हूँ, थैंक्स करता हूँ, और साथ ही साथ जो स्पीकर्स हैं, दीपेंद्र सर हैं, प्रशांत सर हैं, और जो सौ फॉर स्पेशल से आए हैं, और अभिषेक जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नेगी जी। और अब वक्त है क्वेश्चन आंसर सेशन का। हमें बहुत से पार्टिसिपेंट्स की अप्रिसिएशन मिली है, मैं संस्थान की ओर से उन सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि समय बहुत कम है तो हम कुछ क्वेश्चंस अटेंड कर पाएंगे, बाकी के स्पीकर्स के ईमेल आईडी और फोन नंबर जो है हम लोग शेयर कर देंगे, तो आपके क्वेश्चंस उनको हम डायरेक्ट कर देंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मैं अभी जो क्वेश्चंस ले रही हूँ, राकेश जैमिनी का क्वेश्चन है प्रशांत वर्मा जी से। उनका क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूस सम मोबाइल एप्स विच इज यूज टू आइडेंटिफाई थिंग्स। प्रशांत वर्मा जी आप सुन रहे हैं क्या? हाँ जी, ठीक है। तो, और एक दूसरा क्वेश्चन और है इनका, ये कह रही हैं कि दे आर नॉट एबल टू, सॉरी तब तक आप ये वाला क्वेश्चन अटेंड कीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन आप सबको बताती हूँ। ओके, तो सो टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, इफ यू हैव एन एंड्रॉइड फोन यू कैन इंस्टॉल एप्स लाइक सुपर सेंस, और यू कैन ऑल्सो यूज बी माई आईज, टैप टैप सी। बी माई आईज इन पर्टिकुलर विल हेल्प, विल गिव यू लाइक साइटेड असिस्टेंस फ्रॉम साइटेड वॉलंटियर्स। अदर एप्स विल हेल्प यू जस्ट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स यूजिंग सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। I think these three, and on iPhone you can use Seeing AI. I think it is a very good one. Inka next question hai ki how educational institute can get such devices. Ye questions bhi Prashant Verma ji se hai. Okay. I think you are referring to the E10 and the Kibo and other devices probably. So you can get it from their distributors. So the SACTEC Foundation in Delhi, associated with Saksham Trust, they are providing many such devices. You can contact them, sactech.in. You can even order online and get it at your place. And I think Shop for Specials, they have already shared their email ID, I believe. हमारे next participant हैं योगेश शर्मा जी, इनका question भी प्रशांत जी से है, ये कुछ cooking equipments के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है,
देखिए कुकिंग में तो जैसे बीच में कुछ हमारे पास टॉकिंग माइक्रोवेव का ऑप्शन था, एक खास तौर से एक्सेसिबल इंडक्शन कुकर वगैरह था, अभी वो सब अवेलेबिलिटी कम है। अभी आप बस मार्केट में जो जनरल चीज़ें मिलती हैं वो लीजिए, बस इतना देखिए कि वो जहाँ तक हो सके टच करने वाले ना हो, उनके टैक्टाइल बटन्स हो जिन बटन को आसानी से पहचाना जा सके। और कुकिंग इम्प्लीमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो सब जो लंबे हैंडल वाले इंसुलेटेड हैंडल्स वाले वैसी चीज़ें चाहिए। मिल्क बॉयलर ये मिलता है, एयर फ्रायर बहुत अच्छी चीज़ है, विजुअल इम्पैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस एक जनरल आपको कॉमन सेंस यूज करना है किचन इक्विपमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय पांडे जी से, ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई एजुकेशन ऐप जो है अवेलेबल है ब्लाइंड के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट? जी ये भी मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ जी अच्छा तो ओके, एजुकेशन ऐप से देखिए जो आपको दिखाया गया सिंपली रीडिंग वो फ्री ऐप है, उसमें बहुत सी किताबें अवेलेबल है एजुकेशन के लिए, बिल्कुल स्कूल से लेकर के कॉलेज यूनिवर्सिटी हर लेवल की किताबें अवेलेबल है। कीबो ऐप भी एजुकेशन में मददगार है, प्रिंट मटेरियल स्कैन करके पढ़ सकते हैं, तो ये दोनों ही काफी रहेंगे, बहुत जरूरी ऐप है, आपके पास होने चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन है अभिषेक जी से है, वेंकट देवा बटनी का, कीबो जो है वो रिफ्रेश नहीं कर रहा है फाइल लिस्ट को प्रॉपरली, तो ये जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं कर रहा है। वेंकट बेसिकली आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, मतलब एक थोड़ा मुझे समय लगेगा आपकी समस्या को समझने के लिए एग्जैक्टली क्या इशू है, तो आप हेल्प सेक्शन के थ्रू आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। हाँ जी सर। प्रशांत एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, ये जो अभी एनसीईआरटी ने कुछ बुक्स एक ई पाठशाला नाम की एक ऐप बनाई है और उसमें कुछ उनका क्लेम है कि कुछ बुक्स जो है वो डेजी फॉर्मेट में उन्होंने अवेलेबल कराई हैं, तो डेजी फॉर्मेट की बुक्स क्या मोबाइल पे सब लोग पूरी तरह से एक्सेसिबल होंगी, पढ़ सकते हैं उन एनसीईआरटी बुक्स को? हाँ तो देखिए जो अगर डेजी फॉर्मेट में हुई तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ये सिंपली रीडिंग ऐप है या एक इजी रीडर नाम का ऐप है उसके उसमें पढ़ सकते हैं डेजी बुक्स, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और इजीली डाउनलोडेबल है ये। हाँ देखिए डेजी बुक क्या, देखिए मैं ई पाठशाला के अंदर डेजी बुक है या नहीं ये मैं नहीं जानता, वैसे मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं है, लेकिन कोई नया डेवलपमेंट हो तो हमारी सुगम्य पुस्तकालय पे जरूर है डेजी फॉर्मेट में एनसीईआरटी की किताबें, वो डाउनलोड करते हैं मोबाइल पे डाउनलोड हो जाती है और उसको उसको पढ़ा जा सकता है आसानी से। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, सागर बोल रहा हूँ मैं। सर एक्चुअली जितने भी डिवाइसेस बनाए जाते हैं लाइक ऑर्बिट रीडर और कीवो ये सब, तो सर ये इतने मतलब अफोर्डेबल नहीं होते, अगर मान लीजिए कोई हायर एजुकेशन में होता है तो सर स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जाता है कि मतलब सब्सिडी भी दी जाती है तो एक बार दी जाती है उसके बाद खत्म हो जाती है, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है कि सर स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि इन्हें इजीली वो अफोर्ड कर सकें इसे? देखिए ये वैसे तो आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन जो ऑर्बिट जो चीज है उस जैसी चीज आज भी जो बाहर कंट्री में बन रही है वो 2.5-3 लाख रुपए की मिलती है, तो उसके हिसाब से उसको 30,000 रुपए लाना बहुत बहुत बड़ी सफलता है। ठीक है 30,000 रुपए भी कईयों के बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो चीज 15-20 सालों से नहीं हो रही थी और 3-4 लाख रुपए की प्राइस में थी वो अब 25-28-30 हजार में इंडिया में बनाई गई है, तो बहुत बड़ी सफलता ही है। प्रशांत जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिन प्लीज मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज। हाँ जी आप लास्ट मानिए इसे आप और प्लीज जल्दी से कंक्लूड, हमारा टाइम जो 5 बजे तक था ना वो खत्म हो रहा है, तो जल्दी से पूछ रहा हूँ सर। देखिए अभी सिचुएशन में राष्ट्रीय विवेकानंद विद्यालय का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ, मेरा नाम राकेश है सर। वर्मा जी से मेरा क्वेश्चन है सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ सर कि अभी कोविड के चलते हुए हमारी गरीब कन्याएं होती हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं लाइक हमारे स्कूल में जो हैं, तो इनकी ऑनलाइन क्लासेस का कोई ऐसा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कुछ ऐसी कुछ मदद करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ गाइड करना चाहेंगे हमको? देखिए
अगर एक स्मार्टफोन हो घर में या कहीं भी पास में किसी के पेरेंट के पास भी, तो ये गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन क्लास या जूम ऐप के जरिए ये सब पॉसिबल है। शुरुआत में लड़कियों को खुद चलाना ना आता हो तो कोई कनेक्ट में मदद कर दे, और मतलब स्मार्टफोन से शुरुआत की जाए। स्मार्टफोन अब इतनी महंगी चीज़ नहीं रही, आमतौर से परिवारों में कम से कम एक होता है, तो वो इस्तेमाल करना सीख जाए तो वो अपने आप भी कर लेंगे। शुरुआत में कोई मदद कर दे ये आसान रहेगा मेरे हिसाब से, पहला कदम ये हो सकता है। सर मैं ये बोल रहा था, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई भी सिलेबस की बुक आती है हम लोग उसकी बुक्स बनाते हैं, ठीक है, बट क्या होता है कि जो राइटर रहता है, जो मेन राइटर रहता है या जो साइंटिस्ट रहता है जिसने निकाली रहती है बुक्स के फार्मूले, वो नीचे लेवल तक आते आते इतना कट पिट जाता है कि उसको समझने में बहुत मुश्किल होती है। तो क्या कोई ऐसा काम हो सकता है कि डायरेक्ट हो साइंटिस्ट हो या मेन जिस जहां से ओरिजिन हो उसकी कुछ बाइट्स आधा घंटे पौने घंटे की, मतलब उनकी उस सब्जेक्ट को पर लेके लाइब्रेरी में डाल दी जाए ताकि वो सब्जेक्ट आसान हो सके, बस मेरा क्वेश्चन ये था। बहुत उलझा हुआ सा एक चीज रेज की है आपने, एक जो बुक्स रिलीज करते हैं उन लोगों के लिए ये उन लोगों के लेवल की चीज है, तो मेरे ख्याल में प्रशांत कुछ कहना चाहेंगे। मैं बहुत बहुत शॉर्ट में इतना ही बोलता हूँ कि देखिए एक मतलब कि दुनिया में ये कोशिश चल रही है कि इंक्लूसिव पब्लिशिंग हो, यानी कि जो प्रकाशक जो किताब बनाता है और मार्केट में डालता है वो ही उसे इस फॉर्मेट में डाले कि सब इस्तेमाल करें। अभी वो केवल या तो प्रिंट बुक बनाते हैं या ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह बना के डालते हैं जो कि सब लोग इस्तेमाल नहीं करते और कन्वर्ट करने से वो खराब हो जाता है। तो उसकी कोशिश चल रही है, इंडिया में भी कोशिश है, ईपब उस फॉर्मेट का नाम है अभी, लेकिन हमारे यहाँ एडॉप्शन कम है। सर जैसा कि मैं, सर मेरा नाम दीपू पटेल है, ब्लाइंड पर्सन के लिए जो भी एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं होते हैं उन्हें मैं मॉडिफाई करता हूँ। तो सर मतलब कि जैसे जो भी अनलेबल बटन्स हो गए, फिर जो भी हम लेआउट की फाइलों को मैं डिकम्पाइल करके उसे दोबारा से रिबिल्ड करते हैं, एप्लीकेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं करते। इसके ऊपर सर अगर इसे पब्लिशली अगर हम इसे अपलोड करते हैं अपने वेबसाइट पर तो इससे कोई हमें खतरा तो नहीं होगा? नहीं, ये तो शायद आप मोबाइल ऐप्स के साथ ऐसा करते हैं आप बता रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं मॉडिफाई करता हूँ या फिर जो भी नहीं रहते उन्हें मैं क्रैक करूँ उनके मतलब फोर्डिंग से उन्हें डीकंपाइल करके उन्हें मैं मॉडिफाई करता हूँ। मुझे लगता है कि इसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत है, ये हाँ। ये मोबाइल ऐप वगैरह के मामले में ये अलाउड नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो एक क्वेश्चन जो अभी ये लड़कियों के स्कूल से पूछा था, राजेंद्र नगर स्कूल से, उनको मैं आंसर करना चाहूंगा। हमारे स्कूल मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, हम लोग ऑनलाइन स्कूल क्लासेस लगातार चला रहे हैं, तो आप हमसे लिंक उसका हम कोशिश करेंगे आपके नंबर पे भिजवाने की। और इसके अलावा एनसीईआरटी ने भी ई पाठशाला और इस तरह की कुछ चीजें शुरू की हैं जो ऑनलाइन हैं, आप उन पे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं औपचारिक रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री सुरेंद्र ढालवाल जी, डॉक्टर सुरेंद्र ढालवाल, ये हमारे यहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और हमारे टीसीएबी सेक्शन के ट्रेनिंग सेंटर फॉर एडल्ट सेक्शन के इंचार्ज हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा डॉक्टर ढालवाल से कि आज फॉर्मली हमारे स्पीकर्स को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को और सबको औपचारिक रूप से धन्यवाद करें। डॉक्टर ढालवाल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मुझे ये अवसर देने के लिए। बिल्कुल, जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी के संबंध में है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम भोजन करते हैं, तो यानी कि ये इतनी इतनी आवश्यक चीज़ है कि हमें जीने के लिए जिस तरह से भोजन की आवश्यकता होती है उसी तरह से असिस्टिव टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में कुछ उसी तरह का रोल प्ले करने लगी है। ये अब लग्जरी नहीं है, ये अब हमारी नीड है, और ना केवल पर्संस विद डिसेबिलिटीज़ के लिए बल्कि जो जिनको डिसेबिलिटी सो कॉल्ड जिनको डिसेबिलिटी नहीं भी है उन वो लोग भी अगर किसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो ये डेफिनेटली उनके लिए नीड से बढ़ के शायद लग्जरी बन जाती है या उनकी लाइफ को बड़ा ईज कर देती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन हुआ और सभी पार्टिसिपेंट्स और सभी स्पीकर्स ने बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन शेयरिंग की।
मेरी अपनी खुद की जो पीएचडी है वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ऊपर है, और मैंने जो स्टडी किया था वो इम्पैक्ट ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी ऑन साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और उसमें निश्चित रूप से हमने जो पाया वो ये कि बहुत सारे डोमेन्स, इवन जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिसेबिलिटी या फिर इवन कुछ ऐसे वेरिएबल्स जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर सेल्फ एस्टीम एनहांसमेंट या फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी को चेंज करने के लिए या फिर एक्सेप्टेंस अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करने में और हमारी सेल्फ एफिकेसी या फिर अदर जो एट्रीब्यूट्स हैं साइकोलॉजी के, उनको जो साइकोलॉजिकल वेलबींग के जो डोमेन्स हैं उनको सबको इन्हांस करती है और हमारे फुल पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर देती है और बड़े इफेक्टिवली हम जो है सोसाइटी में अपने हर सोशल स्फीयर्स या फिर हमारे एजुकेशनल, वोकेशनल और ऑक्यूपेशनल, इवन इंटरटेनमेंट, सारी जगह पे हमारे हमें ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी बहुत मदद करती है और हमारे सेल्फ एस्टीम को और हमें साइकोलॉजिकल वेलबींग को बढ़ाती है। ये मुझे अपनी पीएचडी के स्टडीज में भी मैंने इसको पाया और डेफिनेटली ये एक भोजन की तरह से मैं इसको देखता हूँ कि भाई ये इतनी आवश्यक है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले निदेशक महोदय का कि उन्होंने हमें इस वेबिनार के लिए अवसर दिया, अवसर प्रदान किया, सभी लोग इस वेबिनार के मंच पर एकत्रित हो पाए। थैंक यू डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल साहब कमलवीर सिंह जग्गी साहब का मैं धन्यवाद करूँगा कि वो हमारे यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर भी हैं और वो बहुत ही इन्वॉल्व हो करके और बहुत ही इफेक्टिवली इन सारे वेबिनार्स को कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ना केवल कोऑर्डिनेट बल्कि बहुत अच्छे अच्छे उनके इनपुट्स इसमें रहते हैं जिससे कि हम लोग इंफॉर्मेशन शेयरिंग अच्छे से कर पाते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स, जो स्पीकर्स जो इस वेबिनार में शामिल रहे, दीपेंद्र मनोचा सर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने ज्ञान और अपने नॉलेज और अपने एक्सपर्टीज, जो उनकी एक्सपर्टीज है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, वो उन्होंने शेयर किया। प्रशांत रंजन जी का मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिया जिससे कि ऑडियंस जो है वो इसका लाभ ले पाए। नीरज शर्मा, अभिषेक बघेल और हमारे अपने राजेंद्र सिंह नेगी जी का धन्यवाद जिन्होंने इस वेबिनार में एज एन एक्सपर्ट पार्टिसिपेट किया और उनका अनुभव वो अपने आप में बोलता है, बताता है कि वो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के और डेफिनेटली बहुत बेहतरीन तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। लक्ष्मी मैडम का धन्यवाद, थैंक यू मैडम, और आपका धन्यवाद, पूरे टीसीएबी स्टाफ का धन्यवाद जिन्होंने इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये क्वेश्चन पूछने से रोकना ये दर्शा रहा था कि भी हम कितने इन्वॉल्व हैं और कितने जागरूक हैं और कितना कुछ हम जानना चाहते हैं और कितना कुछ, कितनी इम्पॉर्टेंट है ये, कितना इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भी वो अन्य माध्यमों से, चाहे वो व्हाट्सएप, फोन या ईमेल, किसी भी तरीके से वो हमें अपने प्रश्न, यदि वो क्या नाम, एक्सपर्ट्स को अगर वो जानते हैं तो वो उन तक वो शेयर करें या फिर हम लोगों को वो टीसीएबी में शेयर करें ताकि हम उनके आंसर्स किसी समय पे हम दे पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन, थैंक यू, धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, अभिषेक दिस साइड। सो फॉर एनी कीबोर्ड रिलेटेड क्वेरीज, जो लोग भी कीबोर्ड रिलेटेड क्वेरीज पूछ रहे हैं, वो एक मैंने नंबर शेयर किया है, आप उस पर डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करके। नंबर है 7874 77 6081। थैंक यू अभिषेक।